हेलो, वॉइस इज ऑडिबल एट द बैक? यस एवरीवन, ऑल राइट. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू ऑफ गिविंग यूर लास्ट स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. हो गए सबके कंप्लीट? यस और नो? तो नाउ वी आर इन टू अवर प्रोफेशनल जर्नी. यू ऑल हैव चूजन दिस करियर एट योर ओन चॉइस. यस और नो? किसी ने किसी को धक्का दे के चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भेजा? ऐसा तो कोई नहीं है. ओके, पक्का पक्का आपकी वॉलंटरी चॉइस है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, इफ देर इज एनी इशू प्लीज पिंग मी इन द चैट बॉक्स. ऑल राइट, फाइन. So now you are going to pursue your professional journey. It's not a degree course, it's a professional course. I hope you have got all the basic information about this course in your first class by Sanchit sir. Yes or no? चलो जी, आज हम भी कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके कोर्स के लिए, आपकी सीए की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक कि वो बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको चीजें पता चल जानी चाहिए, सो दैट यू गेट अवेयर कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और वो चीजें हम लोग कैसे कैसे करने वाले हैं. ओके, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसका आप मुझे बिल्कुल अपने इनर सेंस से आंसर देने वाले हैं, विदाउट एनी पॉलिश्ड आंसर, विदाउट एनी फर्निश्ड आंसर कि हमको एक फैब्रिकेट करके बस आंसर देना है. इट्स नॉट लाइक दैट. जो भी आपको फर्स्ट इंस्टेंस में आंसर निकल के आ रहा है आपको वो ही देना है. और मैं सबसे पूछने वाला हूं, द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज दैट व्हाई सीए, व्हाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी? देयर आर न्यूमरस कोर्सेज और आज के टाइम में तो इतने ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं कि हम कुछ दिमाग में सोचें वही हमारा करियर बन जाता है. आप लोग सब चीजों के साथ अवेयर है, तो वी हैव मल्टीपल 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 करियर ऑप्शंस, not only which can be done by a commerce student only or a humanities student or a science student, it can be done by any student whether he is pursuing any education or not. Still, why CA? This is my question. Money. Whose answer is this? So be honest. Okay. Humne aisa socha hai, suna hai ki CA mein we will able to earn lots of money. Haan ji, any other answer? Demand. Demand is always there for a chartered accountant. That's why we are pursuing it. Haan ji? इट्स अ स्टेटस सिंबल. सोसाइटी स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मनी तो कैसे भी अर्न किया जा सकता है, बट दिस स्टेटस विल हेल्प अस टू डू न्यूमरस थिंग्स इन द फॉर द सोसाइटी वेलफेयर एंड फॉर वेरी अदर थिंग्स. हाँ जी, यस. रेपुटेशन अगेन, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेटस ओनली. इंटरेस्ट, आई हैव इंटरेस्ट इन डूइंग सीए. हूज आंसर इज दिस? सो वट टाइप ऑफ इंटरेस्ट यू हैव, यू थिंक that it will benefit me in doing chartered accountancy? Accounts में I have interest, so इतना तो पता है basic कि अगर chartered accountant बनना है तो उसमें A for accounts ही होता है, इसलिए accounts में interest है, तो हम लोग chartered accountancy में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. चलो जी, और कोई बच्चा खुल के बोलो, जैसे डांस करते हैं ना कभी कभी, हम लोग देखते नहीं कि कोई जज कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम लोग अपने फ्री फ्लो में डांस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमको यहाँ पे डांस करना है. 4-5-6-7 महीने जितने भी हमको यहाँ पर फाउंडेशन पढ़ना है और उसके बाद आगे डांस करना है फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल, और पता भी नहीं चलेगा कैसे डांस करते करते हमारी पूरी सीए की जर्नी कंप्लीट हो. बताओ जी, एनी अदर आंसर? हाँ जी, टू गेट अ बिगर पिक्चर 360 डिग्री विजन ऑफ फाइनेंस फील्ड. ओके, हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होती है एक्चुअल में फाइनेंस फील्ड. हम कुछ कुछ चीजें पढ़ के अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहते, वी वॉन्ट एवरीथिंग अबाउट फाइनेंस. So to learn and understand everything, CA is the best professional course prevailing in India at least. हाँ जी, बाकी सब बच्चे और कोई इससे different answer? यही सब? Okay. अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CA में आ तो रहे हैं लेकिन उनका अपना ऐसा decision नहीं है, थोड़ा societal pressure है कि भाई अब छोटे मोटे course करेंगे तो society में अपन को respect चाहिए, कहीं वो down ना हो जाए, या फिर पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं बोला, या आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए कि भाई वो भैया दीदी सीए कर रहे हैं एंड दे आर वेल सेट या बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, तो चलो जी हमको भी सीए करना है, ऐसा कोई बच्चा? कोई भी नहीं है. अच्छा, कितने? हाँ जी, व्हाई? ऑलराइट, तो दे ही ऑब्वियसली नो ईच किथ एंड किन ऑफ अकाउंटिंग, सो ही He told you to do this course. All right. Okay.
All right. Very good. Nice. Yes. All right. वंडरफुल आंसर. ऑल राइट, वेरी वेरी गुड. तो चलो जी, हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ चुके हैं और कहीं ना कहीं यही सब रीजंस रहते हैं जब मैं हर बार एक न्यू बैच स्टार्ट करता हूँ. हर बार, बिलीव मी, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस यही सब रीजंस, प्लस कुछ फैमिली में सी ए सी एस है या फिर कुछ रिलेशंस में है, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन हमारा बनता है कि हम भी सी ए करने की तरफ जुड़ जाते हैं. और ये अकाउंट्स का इंटरेस्ट इज वेरी वेरी कॉमन आंसर. हाँ जी. ओके, और जानना है. ओके, तो यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नॉलेज इन अलाइंड विद सम प्रोफेशनल डिग्री गिव यू वंडरफुल प्लेटफॉर्म एट एवरी प्लेस. आपको बहुत ज्यादा वो और प्लेटफॉर्म्स दिलवाती है जिससे आप लोग आगे एक न्यूमरस चीजों में जा सकते हैं. चलो जी, और हम आगे आगे की बातें करते हैं. तो सी ए इज अ वंडरफुल कोर्स, नो डाउट अबाउट इट. अगर हम लोग फाइनेंस की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, तो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी से बड़ा कोई भी प्रोफेशनल एग्जिस्ट नहीं करता. इफ यू आर अ सी ए, यू आर अ किंग ऑफ अकाउंट. आई होप यू ऑल नो दिस. अगर आप कहीं पर भी रिसर्च करेंगे तो इंडिया के अंदर सीए से ऊपर कहीं पर भी अकाउंटिंग इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाई जाती. एंड एज द नेम सजेस्ट, दिस कोर्स इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी या चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो इधर आपको ए फॉर अकाउंटेंसी में तो अपने आप को सुपर सुपर एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, जिसकी जर्नी स्टार्ट होती है विद योर सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग. दिस इज द रीजन वाई सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्टिव पेपर. ओके, यहां पर आपसे एमसीक्यू बेसिस पे कुछ एबीसीडी नहीं करवाया जाएगा. यहां पर आपको प्रॉपर आंसर्स करने पड़ेंगे विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर. कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से? एनी स्टूडेंट फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड? ऑल्दो आई डोंट केयर, स्टिल आई वॉन्ट टू आस्क, जिससे मुझे पूरी पॉपुलेशन का एक आइडिया लगे कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं. एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लीज पार्टिसिपेट. आप में से कितने स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. कोई भी नहीं है, ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. वंडरफुल. तो देखो, यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं होता वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. वी टीच फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ. आपकी टू इयर्स की जो अकाउंटिंग नॉलेज है उसको भी हम लोग समराइज वे में इतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप वापस से ऑन ट्रैक आ जाएं, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो नॉन कॉमर्स से हैं उनको भी जो बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी नहीं होती उसको भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तो देयर इज नो इशू आप किसी भी बैकग्राउंड से हों. अभी तक जो भी आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी वो आपने आंसर्स बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ी होगी. आंसर्स बेस्ड का मतलब ये चीज ऐसे होती है ये हमें पता है, या ये चीज का आंसर ये है ये हमें पता है, लेकिन ये चीज को करने के पीछे का कारण क्या बना था, ये चीज ऐसी हुई क्यों थी, उसका ओरिजिन कहां हुआ था, उसका सोर्स क्या था, वो सब चीजें जो हम लोग बेसिक पार्ट जिसको बोलते हैं वो हम लोग सीए फाउंडेशन में कवर करेंगे. हो सकता है डायरेक्टली वहां से आपको अभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन अगर वो पार्ट आपने अभी क्लियर नहीं करा, ऑब्वियसली जब आप लोग और एडवांस लेवल की अकाउंटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको गैप दिखना शुरू हो जाएगा कि ये चीजें हमने कभी कवर क्यों नहीं की, इस चीज पे हमने कभी एनालिसिस क्यों नहीं किया. आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड ओनली. यस और नो, कितने बच्चे यहां पर सीबीएसई बोर्ड वाले जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिए? मैक्सिमम. ओके, तो आई नो द करिकुलम ऑफ सीबीएसई बोर्ड. ऑब्वियसली पता है मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, किस किस लेवल पे पढ़ाए जाते हैं. बहुत सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर सिमिलर भी होने वाले हैं, ऑल्दो डेप्थ विल बी मोर. एज इट इज टॉपिक कोई भी उठ के नहीं आ जाएगा कि वहां पर आपने जैसा पढ़ा बिल्कुल वैसे ही है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. उसमें भी बहुत डेप्थ होगी और साथ में हर एक चीज की लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास होनी चाहिए कि ये चीज हम अभी तक कर रहे थे लेकिन इसके बारे में कहां पर लिखा हुआ है. ओके, तो अगर हम लोग किसी बुक की बात करें, जैसे हम लोग लाइफ जी रहे हैं तो हमारे लाइफ जीने के रूल्स रेगुलेशंस किस बुक में लिखे हुए हैं? किसी बुक में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए? किसी भी बुक में नहीं है. हाउ टू लिव अ लाइफ, ऐसी कोई हमारी होली बुक है कि नहीं है? हाँ जी, है कि नहीं है? आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आपने सुना होगा सब एक रिलीजन की कोई होली बुक जरूर होती है. अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो वी हैव भगवत गीता, बाइबल. तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई बुक जरूर है जो हमको हाउ टू लिव अ लाइफ बताती है, कैसे लाइफ को इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर जिया जा सकता है विद ऑल द ऑब्स्टेकल्स, विद ऑल द स्ट्रगल, विद ऑल द वरीज. वो तो चलती चली जाएंगी. ओके, तो अगर किसी ने, अच्छा आप में से कितने लोगों ने वो बुक पढ़ी है? मैं बुक वहां यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा, डोंट वरी. एक दो बच्चों ने पढ़ी है. तो क्या बाकी बच्चे लाइफ नहीं जी रहे? जी रहे हो कि नहीं जी रहे? सब लोग जी रहे हैं. क्या बाकी बच्चे गलत तरीके से लाइफ जी रहे हैं? ऐसा भी नहीं है. तो लाइफ हम जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं, ऑनेस्टी से जी रहे हैं, सब काम अच्छे कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, लेकिन हमने वो बुक नहीं पढ़ी. यही सिचुएशन अभी तक आपके साथ है. आप अकाउंटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे मार्क्स भी आ चुके हैं और आएंगे भी,
लेकिन वो चीजें जो आप कर रहे हो वो कहां पर एग्जैक्टली लिखी गई है वो हमें नहीं पता, उसके रूल्स हमें नहीं पता, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसकी बात हुई है वो आप फॉलो भी कर चुके हो, लेकिन एग्जैक्टली उसकी पोजीशन आपको नहीं पता, जिसकी पोजीशन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पता चलेगी कि जो चीजें हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में लिखा कहां गया है। आपको सीधा वो रूलिंग को फॉलो कराते हैं कि ये चीज है और ऐसे करनी है, पर इसके बारे में डिटेल इवैल्यूएशन और लिखा कहां पर गया है, दैट बुक इज नोन एज, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, दैट बुक इज नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग करने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ओके, बट नो नीड टू वरी अगेन, ये आपको यहां पर नहीं पढ़ने, आपको कहां पर पढ़ने होते हैं, सीए इंटरमीडिएट के आगे से। लेकिन इसकी हम बहुत जगह बातें करते रहेंगे, बिकॉज सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल में आपको तभी अकाउंटिंग और अच्छे से समझ में आएगी जब बैक एंड में आपको पता होगा कि आप कैसे कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ के आगे चल रहे हैं, ओके, एंड हु हैज द पावर टू फ्रेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ICAI. ICAI means the Institute of Chartered Accountants of India, our own institute, जिसका करिकुलम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका एग्जाम हम लोग क्रैक करने वाले हैं और जिसके हम लोग स्टूडेंट हैं। अभी आफ्टर सम ईयर वी विल बिकम मेंबर ऑफ ICAI जब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, ओके। तो अगर मैं बात करूं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके पास पावर है टू फ्रेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी तो आपने ICAI बोला, इसको और हम लोग नैरो लेके जाते हैं, ICAI में कौन, क्या बिल्डिंग बनाती है ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन बनाता है, सीएस बनाते हैं, वेरी वेरी गुड, सीएस और मेंबर्स यू कैन से, तो सीए मेंबर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। सीए मेंबर की लाइफ को और पहले लेके जाओ तो वो कहां पर होते होंगे विदाउट बिकमिंग सीए, कहां पर होते होंगे, वो आपके जैसे क्लासेस में होते होंगे कि नहीं होते होंगे, तो आपके पास वो पावर है, आपके पास वो पावर है टू फ्रेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप खुद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं जिसको फिर ना पूरा इंडिया फॉलो करेगा बल्कि इंडिया के बाहर भी उसको फॉलो किया जाएगा, तो आप खुद समझ सकते हैं आपके पास कितनी पावर है। सीए जो कमेटी बैठती है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है हमारे इंस्टीट्यूट की, वो कौन है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उससे पहले वो कौन थे, वही तो सीए स्टूडेंट थे, अभी आप उसी पोजीशन पे, तो क्या किसी और प्रोफेशन में ऐसी पावर होती है कि अगर वो वहां से उसको क्वालिफिकेशन देते हैं तो उसको ऐसी कोई चीज की पावर दी जाए जिससे वो कोई रूल्स कुछ लॉज लिख सके जो पूरे इंडिया में प्रिवेलेंट होंगे, आंसर इज नो, आपके पास वो पावर आने वाली है, तो फील दैट पावर इन योरसेल्फ, तो विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, ओके, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं दैट पावर विल बी गिवन टू यू ऑफ कोर्स, तो आपको उसके लिए बिल्कुल 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 प्रिपेयर रहना है कि आपको कैसे कैसे चीजों को आगे लेके चलना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, यहां से आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे अपने न्यू नोटबुक्स में, रजिस्टर्स में, उसकी फील ही अलग होती है, ओके जी। तो आज की क्लास हमारी यू कैन से एक ओरिएंटेशन क्लास है जिसमें हम लोग बहुत कुछ करने नहीं वाले लेकिन समझने जरूर वाले हैं, और आज की क्लास उस वे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्लूप्रिंट ऑफ सीए फाउंडेशन, ब्लूप्रिंट ऑफ सीए फाउंडेशन नवंबर डिसंबर 23 अकाउंटिंग पेपर यूजली आपका जो एग्जाम है ईयर एंड वाली सीरीज का, मतलब कैलेंडर ईयर की बात करूं तो वो दिसंबर में ही होता है, बट पोस्ट कोविड पीरियड कुछ इनकी डेट्स हिल गई हैं। यू ऑल नो कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूट को अटेम्प्ट भी क्वैश करना पड़ा, एक बार एग्जाम भी नहीं हुए, वो तो सबने प्रॉब्लम झेली, आपने भी वो जरूर जरूर झेली हो, ओके, तो स्टिल इसलिए अभी हम लोग नवंबर दिसंबर लिखते हैं फॉर द सेफर साइड। अगर नवंबर तक प्रिपरेशन अच्छी है तो ये अच्छी बात है ना, उल्टा नहीं होना चाहिए कि हम लोग दिसंबर मान के चले और पेपर नवंबर में हो जाए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इसका रिवर्स हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोगों ने नवंबर मान के चला था और अक्टूबर तक हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी थी, हमको तो एक मंथ और मिल गया, नो इशू, ओके जी। सो ब्लू प्रिंट ऑफ सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 23 अकाउंटिंग पेपर कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। आपका एग्जाम होने वाला है कितने आवर्स का, 3 आवर्स का, ओके, अभी भी आप कितने आवर्स का पेपर देके आए हैं, 3 आवर्स का, तो बहुत सिमिलर है अभी आपका सीबीएसई क्लास 12th का पैटर्न और सीए फाउंडेशन का पैटर्न। और कितने मार्क्स का होने वाला है यहाँ पर, 100 मार्क्स का, वहां पर कितने का था, 80 का, और वो 20 मार्क्स का आपका कुछ प्रैक्टिकल वाइवा फाइल वगैरह होती थी, यहाँ पर वो कोई भी चक्कर नहीं है। सीए के किसी भी लेवल पे ये 10, 20, 15, 20 नंबर आपको फालतू के कहीं पर भी नहीं दिए जाएंगे,
बस आपकी वो शीट है जिसपे इवेल्युएशन होगा, चाहे हम तीनों लेवल की बात करें। ओके, मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ, चाहे फाउंडेशन है, चाहे इंटरमीडिएट का कोई पेपर है या फाइनल का है, आपको जज किया जाएगा आपके उस 3 घंटे के पेपर का। ओके जी, अभी के लिए सारे पेपर 3 घंटे के नहीं है, लेकिन इसके बाद तो सारे ही 3 आवर्स के होंगे फॉर इंटरमीडिएट और फाइनल स्टेज। चलो जी, यहां पर आपको सबसे पहले आएगा क्वेश्चन नंबर वन। इट विल बी अ कंपल्सरी क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कंपल्सरी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इट विल बी अ कंपल्सरी क्वेश्चन हैविंग सब पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें आपको 3-4 पार्ट्स होते हैं और उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो यू कैन अज्यूम कि 5 मार्क्स का एक पार्ट, तो यू हैव 4 पार्ट्स, 20 मार्क्स आपके यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ कितने मार्क्स का पेपर रह गया? 80 मार्क्स का। नाउ यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। नाउ यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। तो जब आप बाकी के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 की। और ये सारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? 20 मार्क्स ईच अगेन। तो 20 मार्क्स का आपका फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन हो गया, और फिर यहां पर 5 क्वेश्चंस दिए गए 20 मार्क्स के, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? ट्वेंटी इंटू फोर इधर 80, एंड 20 आपने पहले ही सॉल्व कर लिया, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का यहां पर पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको 120 मार्क्स का पेपर आएगा एंड यू हैव टू सॉल्व 100 मार्क्स। There is an internal choice in between question number 2 and 6. इसमें से आपको एक कोई question skip करने के लिए allowance दिया जाता है। Clear to all of you? Sir, ये जो 2, 3, 4, 5, 6 question है, क्या बिल्कुल complete question 20 marks के होंगे? Answer is no. इसका कैसे-कैसे combination बनता है, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। It can be like this. One part for 12 marks and another for 8 marks. होगा 20? It can be like this. One part is for 15 and another is for 5 marks. All right? It can be like this, both parts for 10 marks. It can be like this, one part is for 16 and another is for 4. तो इस तरीके का कोई combination बनेगा जिसमें generally एक question के अंदर 2 parts होंगे which you have to attempt, और अगर वो एक last pattern और भी बना सकते हैं 10-5-5 का। अगर उनको numerous questions पूछने हैं तो वहां पर वो एक question में 3 part भी पूछ सकते हैं, पर maximum question में सब part कितने ही रहने वाले हैं? 2 ही रहने वाले। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी जो आप एग्जाम देके आए हैं उसमें क्वेश्चन बहुत सारे होते थे, ओके? पर उनकी मार्किंग कम होती थी। यहां पर मार्किंग ज्यादा होंगी लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? वो कम हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके साथ आपको मिलेगा पेपर स्टार्ट होने से पहले, मतलब आपको आंसर शीट मिलने से पहले 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। सर वो तो हमें अभी भी मिलता था, तो वो आपको यहां पर भी मिलेगा 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, इन विच यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग इन योर आंसर शीट। पहली बात तो आपको आंसर शीट दी नहीं जाएगी, तो कहां से लिखोगे? एज वेल एज क्वेश्चन पेपर पे तो लिखना वैसे भी अलाउड नहीं होता। इस पे हम डिस्कशन बहुत बाद में करेंगे कि उन 15 मिनट्स को कैसे हम लोग बेस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ये सब कुछ आप लोगों के फर्स्ट पेज पे लिखा होना चाहिए। ये बार बार आप लोग देखेंगे, जब भी वापस से रिविजन करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे कि मेरा पैटर्न क्या है, तो उससे आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है कि जो मैं टॉपिक कर रहा हूँ वो क्वेश्चन कहाँ पर आने वाला है। उसका भी आपको एक फेयर आइडिया हम लोग दे देंगे कि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन आएगा तो कहां पर आएगा, क्या वो 16 मार्क्स में आने वाला है, क्या वो 4-5 मार्क्स में आने वाला है, या कितने मार्क्स में आने वाला है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो जी आगे चलते हैं। नाउ हमारा जो कोर्स करिकुलम है उसको अच्छे से जान लेते हैं। पुट द हेडिंग कोर्स करिकुलम। तो यहाँ पे जो आपका कोर्स है उसको इंस्टीट्यूट ने तो डिवाइड नहीं किया, उन्होंने तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूरा का पूरा कोर्स लाके दे दिया, लेकिन मैंने खुद इस कोर्स करिकुलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। मैंने इस कोर्स करिकुलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिससे हमको एक
क्लियर विजन मिलता है कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ये थ्री कैटेगरी थ्री पार्ट्स क्या क्या है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज यूर प्लस वन वाला लेवल, 10+1 या फिर हम लोग क्या बोलते हैं क्लास 11। टॉपिक की हेडिंग सेम रहेगी, बार बार बोल रहा हूँ इन डेप्थ जो आपको चीजें पढ़नी है वो बिल्कुल अलग रहेंगी। बच्चों को कई बार मिथ होता है कि अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग तो वही है ना जो 11th-12th में पढ़ के गए हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पर बहुत डेप्थ है और उस पर मैं आगे भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट इज 10+2 वाले टॉपिक्स एंड लास्ट इज ऑब्वियसली न्यू टॉपिक्स। अगर हम लोग 10+1 की बात करें तो 10+1 के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको रिपीटेटिव पढ़ने हैं। देखो इंस्टीट्यूट यहां पर कोई भी बच्चे को किसी भी लेवल पे छोड़ने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो दे डोंट नो कि आप लोग कौन से बोर्ड से पढ़ के आए हैं। चलो सीबीएसई बोर्ड का तो करिकुलम की बात करें ठीक ठाक लेवल पे है भी, बट इज देयर एनी गारंटी कि पूरे इंडिया में बाकी बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग +1 and +2 में? नो गारंटी। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट बोलता है अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम आपको पढ़ाएंगे, और आपके जो 11th के टॉपिक्स रेलेवेंट हैं आगे आने वाले टाइम के लिए भी वो सब उन्होंने इधर डाल दिए। आओ जी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बोले तो थ्योरी टॉपिक्स, डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज एन लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, वो सब चीजें, जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, दीज ऑल विल बी कवर्ड अंडर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। पढ़ा हुआ है सबने? यस सर, क्योंकि इसी के बाद हम लोग आगे चल सकते हैं। यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। इसके बाद BRS पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड बहुत डेप्थ में है। जितना आपने वहां पर पढ़ा वहां पर तो बस आप क्या कर रहे थे, वहां पर तो सर हम बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक करके रिकंसाइल कर रहे थे। यहां पर आपको उसके भी अलावा बहुत कुछ करना पड़ेगा। ओके, और हम लोगों ने पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट फॉर योर जस्ट फॉर योर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। मुझे एक बात बताओ, आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या आप लोग एंट्री पास कर रहे होंगे या आप लोग गलत एंट्री को ठीक कर रहे होंगे? ठीक कर रहे होंगे। एंट्री पास करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं है, उसके लिए तो आप क्लरिकल अकाउंटेंट रख सकते हैं, उसके लिए तो आप ट्रेनीज रख सकते हैं। ओके, आपकी खुद की सीए फर्म होगी तो आपके पास भी तो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करने आएंगे, आप उनको बोलोगे कि एंट्री पास करो, फिर जब वो बहुत सारी एंट्रीज पास करेंगे उसमें से जो उनको डाउट होगा या आपको लगता होगा ठीक पास नहीं करी, उसके लिए आप रेक्टिफिकेशन करेंगे, क्लरिकल काम में थोड़ी उलझे रहेंगे। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके जी, और बात करते हैं हम लोग टॉपिक्स की, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में सर अभी तक हमने बस दो ही मेथड्स पढ़े बचपन से, कौन से दो मेथड? SLM एंड WDV। यहां पर आपको बहुत सारे मेथड्स पढ़ने हैं, फ्लड आ जाएगा मेथड्स का कि और भी कितने सारे मेथड्स होते हैं, तो अगेन इन डेप्थ है, खाली उतना नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ हमें यहां पर पढ़ना है। और बताओ जी, और आपने क्लास 11 में क्या क्या पढ़ा? फाइनल अकाउंट्स पढ़ा, एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो फाइनल अकाउंट्स में अभी तक जो आपने एडजस्टमेंट्स पढ़ी होंगी वो काफी बेसिक थी, पढ़ी थी ना सबने एडजस्टमेंट्स? सर पहला पॉइंट होता था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, फिर कुछ आउटस्टैंडिंग होता था, कुछ प्रीपेड होता था, कुछ एक्रूड होता था, कुछ डेप्रिसिएशन की बात करता था, बस यहीं तक ही होता था। यहाँ पर आप लोग बहुत एडवांस लेवल की एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं, जिससे यू विल गेट टू नो कि और भी क्या क्या चीजें चेंज होती हैं और जो हमको यहाँ पर फॉलो करनी है। ओके, सो दैट्स इट। तो प्लस वन के आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। बात करते हैं प्लस टू की। प्लस टू में सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप अकाउंट। तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप बेसिकली यू विल गेट टू नो, अंडरस्टैंड इन यूर सीए फाउंडेशन एज वेल। पार्टनरशिप अकाउंटिंग इज देयर। और क्या पढ़ा था? कंपनी अकाउंट, उसमें आपने पढ़ा इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगेन यू हैव टू लर्न हेयर ऑल्सो। और क्या पढ़ा? एनपीओ, देखो इसको भी डाल दिया, और विद मैनी मोर थिंग्स। अभी तक तो सर हम जो एनपीओ में पढ़ते थे ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया होता था, एंड वी हैव टू मेक जस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट्स इट। अच्छा ये भी नहीं था? ओके, फिर तो आपके लिए बिल्कुल ही न्यू है, तो बहुत कुछ पढ़ना है फिर तो आपको इसमें। अच्छा इससे पहले तो होता था भी, ये भी डिलीट किया आपके वाले ईयर में, उससे पहले तो नॉर्मल करिकुलम में था प्लस टू के। अच्छा इस बार डिलीट कर दिया, तो अभी बहुत लीनियंट होने वाला है सीबीएसई का, और ऑलरेडी आप लोग वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। चलो जी, और कोई टॉपिक आपने प्लस टू में पढ़ाओ? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं उसका कोई टॉपिक अभी यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है।
कैश फ्लो इज इन सी ए इंटरमीडिएट. न्यू टॉपिक्स की बात करते हैं. इन न्यू टॉपिक यू हैव टू अंडरस्टैंड इन्वेंट्रीज. अच्छा एक टॉपिक प्लस वन में आई थिंक रह गया, इसको भी लिख लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इन्वेंट्रीज, देन सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस. सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस. इन्वेंट्रीज यू ऑल नो क्या होती है इन्वेंट्री? स्टॉक. तो इन्वेंट्रीज का मतलब इधर हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना है. हाउ टू वैल्यू द स्टॉक? हर इंडस्ट्री में स्टॉक अलग अलग कैटेगरी का होता है. किसी में रॉ मटेरियल होता है, किसी में वर्क इन प्रोग्रेस और वी कैन से सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, किसी के पास सिंपली फाइनल गुड्स होते हैं. ओके, या फिनिश स्टॉक हम लोग उसको बोलते हैं. तो उसका हम वैल्यूएशन कैसे करें, दैट वी विल स्टडी अंडर दिस टॉपिक इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में लिखा हुआ है. और उसके हिसाब से अगर हमको इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है तो हम कॉस्ट या मार्केट प्राइस, जो दोनों में से हायर होता है, उसको लेते हैं कि लोअर को लेते हैं? लोअर को लेते हैं. एंड द रीजन, द प्रिंसिपल बिहाइंड टेकिंग दैट लोअर इज योर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये सब चीजों को हम लोग लिंक करते हुए पढ़ेंगे. हम कोई भी टॉपिक आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे कि ये चीज पढ़ रहे हैं तो बस ध्यान यहीं पे है. कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी जो भी रूल्स होंगे, प्रोविजंस होंगे, आप लोग देखेंगे मैं सेम चीज किसी और टॉपिक में भी बोल रहा हूँ. ओके, और अभी तो इतना ज्यादा नहीं, इसके बाद तो आपके जो सब्जेक्ट्स भी होंगे वो भी बहुत सिंक्रोनाइजेशन में चलेंगे. अकाउंटिंग में लॉ की बातें होंगी, लॉ में टैक्स की बात होगी, टैक्स में अकाउंटिंग की बात होगी. तो सारी चीजें आपस में बहुत ज्यादा लिंक होने वाली है. चलो जी, और देखते हैं और कौन से टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पर आपके पास. कंसाइनमेंट, कुछ कुछ बोर्ड्स में प्लस टू में भी कंसाइनमेंट कराया जाता है, बट यस सीबीएसई बोर्ड में वो नहीं है. एवरेज ड्यू डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारी कैलकुलेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, हमारा बिजनेस करने के तरीके को बहुत आसान कर देता है. अकाउंट करंट, अकाउंट करंट, बैंक में करंट अकाउंट होता है ना, उसका ऑपोजिट अकाउंट करंट. All right, clear to all of you. तो बहुत कोर्स है देखा जाए तो, कोर्स कोई कम नहीं है. पहली बात तो जो 11, 12 के भी टॉपिक हैं, वो भी वो वाले लेवल के नहीं है जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं. उससे बहुत ज्यादा हमें इन डेप्थ जाना है. और उसके अलावा इतने सारे और भी न्यू टॉपिक हैं, पेपर का पैटर्न भी अलग है. इसके बाद कुछ थ्योरिटिकल छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, वो भी हम लोग साथ साथ में करेंगे. और कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, विच इज क्वाइट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम. सब लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया? यस और नो? चलो जी, अब हम लोग कुछ आईसीए की इंटेंशन को समझते हैं. आईसीए की हम लोग इंटेंशन को समझते हैं, अभी आईसीए का दिमाग कैसे चल रहा है. देखो, अगर मैं आपसे पहले की बात करूं तो नो डाउट, चाहे हम सीए सीपीटी की बातें करें, जो बहुत पुरानी बातें हो गई, शायद आपको पता हो, पहले सीए में क्वालिफाई करने के लिए, सीए में एंटर करने के लिए आपको सीपीटी नाम का एक एग्जाम देना होता था, दैट इज कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपके सारे ही पेपर कैसे होते थे, MCQ. वहां पर कुछ ऐसा नहीं था कि सब्जेक्टिव था. ये अकाउंट्स वाला पेपर जो आप पढ़ रहे हैं, ये भी MCQ बेस्ड था. तो एट दैट टाइम क्वालिफाइंग एंट्रेंस ऑफ CA वाज सुपर इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था. और इजीली अगर आप ठीक ठाक पढ़ के जाते हैं तो ये क्वालिफाई हो जाता था. मतलब आपके पास 11, 12 की नॉलेज है, थोड़ी सी अपने नॉलेज को और ब्रशन अप किया और आप क्वालिफाई कर लेते थे. इसके बाद ये क्या आया, CA फाउंडेशन आया. अब तो CA फाउंडेशन को आए हुए भी बहुत टाइम हो चुका है. ओके, तो तभी भी वो सीए फाउंडेशन इससे तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी उसको हम लोग इजी कैटेगरी में ही रखते थे. सुपर इजी तो नहीं, पर यस इजी या मॉडरेट कह सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग अब की बात करें, अगर हम लोग अब की बात करें तो अब सीए फाउंडेशन कैसा है? हाँ जी, अब कैसा है बताओ, कहीं से कोई खबर नहीं सुनी आपने? यस, वी कैन टर्म इट एज अ मीडियम एग्जाम. अब हम लोग इसको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि फाउंडेशन है ये, तो यहां पर तो आराम से पास हो जाएंगे, आगे मेहनत करनी है. इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत सारे आपके भी जो सीनियर्स होंगे, अभी उन्होंने एग्जाम दिया होगा एंड दे डिडंट क्वालिफाई, ऐसा है कोई कि नहीं है, पक्का पक्का होंगे. अब इंस्टीट्यूट की जो थिंकिंग है, इंस्टीट्यूट का जो ड्राफ्ट निकल के आया, उसमें दे हैव क्लियरली रिटन और सबको हर एक चीज उन्होंने अनाउंस कर दी है, जो हमारी मीटिंग चल रही है, कि नाउ वी आर ट्राइंग टू मेकिंग सीए अ ब्रांड.
और जस्ट लाइक IIT एंड IIM हम ICAE को भी बिल्कुल उसी वे में कन्वर्ट करेंगे। IIT और IIM में क्या होता है, वंस यू क्रैक दिस IIT एग्जाम और IIM एग्जाम, आपने कभी ये सुना है कि बच्चे का IIT तो क्रैक हो गया था लेकिन उसको डिग्री नहीं मिली, कहीं सुना आपने? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। आपको IIT क्रैक करना है, फिर वो 3-4-5 साल के बाद आपको डिग्री तो वो घर देके जाएंगे। मतलब बच्चे को हमने इतना ज्यादा स्टार्टिंग में परेशान कर दिया कि हमने उसका कैलिबर चेक कर लिया, वो पक्का पक्का क्वालिफाई होकर निकलेगा। सिमिलरली फॉर IIM, सिमिलरली फॉर मेडिकल एग्जाम्स, आपने एक बार एग्जाम क्रैक करा तो आप पक्का पक्का डॉक्टरेट की डिग्री वहां से लेके जाने वाले, आप पक्का आपको MBBS की डिग्री मिलेगी। तो सिमिलर वर्क वो ICA यहां पर कर रही है। आपका CA फाउंडेशन मीडियम या टफ लेवल पे लेके जा रही है कि अगर बच्चे में कैलिबर नहीं होगा वो इसी को क्वालिफाई नहीं करेगा, एक बार देगा, दो बार देगा, तीन बार देगा और बाहर चला जाएगा। हम उसको एंटर करा के परेशान नहीं करना चाहते। और अगर उसने इसको क्रैक कर लिया, तो उसके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या बनना? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। ओके, तो बिल्कुल रिवर्स लेवल यहां पर चल रहा है, एंट्री लेवल को टफ कर रहे हैं और आगे के जो लेवल्स हैं उनको और इजी बनाया जा रहा है। और अभी का जो पीरियड है, दिस इज योर ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज समझ में आता है कि नहीं आता? क्या होता है ट्रांजिशन फेज? चेंज या बदलाव का समय। अभी बदलाव वाली नदी बह रही है और उसमें आप आए हो निकल के, तो आपको सबसे ज्यादा यहां पर बेनिफिट होने वाला है अगर आप इसको अच्छे से समझे तो। अभी इसको भी पूरे तरीके से टफ नहीं किया जाएगा, एक एक करके लेवल बढ़ाया जाएगा, अभी एकदम से नहीं होने वाला। तो आप इस मीडियम लेवल पे CA फाउंडेशन क्वालिफाई कर जाएंगे, बोलो हाँ कर जाएंगे। और इसके बाद के तो दोनों लेवल जब आपके एग्जाम्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो सुपर इजी हो जाएंगे। तो आपके लिए तो ये बेस्ट पोजीशन है जब आप यहां पर बैठे हुए हो। शायद मैं आपसे अगले वाले बैच में ये बात भी ना कर पाऊं जो मैं आज आपके साथ कर रहा हूं, शायद तब वो हो ही चुका हो। तो दिस इज द बेस्ट अटेम्प्ट, बेस्ट एग्जाम कि आप इसको सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें और आगे की आपकी जर्नी बहुत इजी होने वाली है। ऑल्दो वी डिडंट फेवर ऑलवेज कि चीजें आसान होनी चाहिए, हमें अपने आप को टफ बनाना पड़ेगा। चीजें तो वैसी ही रहेंगी जैसी वो रहती हैं। ओके, स्टिल अगर मैं अभी एकेडमिक जर्नी की बात करूं तो ये भी ट्रांजिशन फेज इज गोइंग ऑन, जिसका आप लोग पक्का पक्का बेनिफिट उठा सकते। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ओके जी, तो इस बात को भी सब लोग ध्यान रखेंगे और पूरे एंथुसियाज्म के साथ पढ़ेंगे। बहुत लॉन्ग जर्नी है, हर एक चीज को कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी या लर्न करने वाले काम नहीं करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जर्नल एंट्री को रटना पाप है। क्या है? पाप है। आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप अकाउंटिंग में कुछ भी रट रहे हैं तो। क्या किसी ने किसी भी चीज की स्टडी रटने के लिए बनाई होंगी कि बच्चों को बिठाओ रटो और उनको बोलो एग्जाम में एज इट इज लिख के आना? इससे क्या पर्पज सॉल्व हो रहा है मुझे बताओ? क्या हमारी नॉलेज बढ़ रही है? क्या हमारा माइंड शार्प हो रहा है? हम कल के लिए अपने आप को क्या बना रहे हैं? कुछ भी नहीं बना रहे। रटा हुआ चीज कितनी देर तक याद रहेगी? जरा कोई एनालिटिकल सिचुएशन आ गई आप लोग गिव अप कर देंगे। और आज की तो पूरी ही स्ट्रक्चर ऐसी है कि जो एजुकेशन है वो बहुत डिफरेंट हो चुकी है। एजुकेशन डजंट मीन कि आपको कुछ बुक्स में चीजें रीड करके लर्न करके वॉमिट करना एग्जाम में, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, शायद आपको मेरे से ज्यादा ही पता होगा अगर मैं इसकी बात करूं। आजकल कुछ GPT चल रहा है, ChatGPT चल रहा है। आप किसी भी पर्टिकुलरली एरिया की तो बात करो, किसी टॉपिक की तो बात करो, वो आपको फटाफट उसके बारे में सब कुछ लिख के दे देता है। तो मुझे बताओ, क्या किसी इंटरव्यूअर को ऐसा पर्सन चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछे और वो रटे रटे आंसर दे लंबे लंबे? क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? एक सेकंड में तो ये आंसर दे रहा है और आपसे भी पक्की बात है बेटर ही देगा। तो आपको कोई क्यों रखने वाला? कोई भी नहीं रखेगा आपको। ओके जी, ऑटोमेशन की वजह से जो रटी रटाई जॉब्स हैं वो तो वैसे ही जीरो होने वाली हैं और वो आप देख ही रहे हैं। आपकी जनरेशन से बेटर कोई भी नहीं देख सकता। तो जो हमारा माइंड है ना, चाहे हम बैठे यहां पर हुए हैं, उसको हमको लिमिट नहीं करना। आपकी अप्रोच होनी चाहिए आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच, कि सर ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पहले तो हमें बताओ ये लगेगा कहां कहां पर, नहीं तो हम टॉपिक ही नहीं पढ़ेंगे, तब तो मजा आएगा। शायद किसी को यहां पर बिजनेस करना हो फ्यूचर में, या किसी को अगर इंडस्ट्री में भी जाना है, किसी में सर्व करना है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे टाइम में क्या एनालिटिकल इश्यूज आने वाले हैं, मैं रटे रटाए काम को लेके क्या करूंगा, सब चीजें बुक्स में लिखी गई हैं, उससे हम क्या करेंगे? वो बुक लेके बैठ जाएगा, वो भी पढ़ लेगा। ओके, ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोर लर्निंग या रीडिंग से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप उसका एक्चुअल एसेंस नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ के पेपर में रटे रटे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि शॉर्ट नोट लिखो, इसका लॉ लिखो, ये सेक्शन लिखो। वो तो आप लैपटॉप खोलो, मोबाइल खोल लो, पूरे सेक्शन के बारे में बता देता है कोई भी। आपसे पूछ के कोई क्या करेगा? आप कैसे CA बनेंगे ऐसा सब करके? आपको एक केस स्टडी दी जाएगी कि दो लोग हैं वो लड़ रहे हैं किसी बात के ऊपर,
बताओ जी इसका सोल्यूशन क्या है। वहां पर तो आपने अपना कुछ इनपुट दिया, खाली एक लॉ या एक पैराग्राफ या कुछ चीजें बताने से कुछ भी पर्पस सर्व नहीं होता। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और शायद अभी तक भी जो आपने चीजें पढ़ी उसमें भी ये डायरेक्टली लिंक नहीं होती, क्योंकि जो हमारा 12th लेवल तक का भी कोर्स है इट नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, उसमें बहुत चेंजेस रिक्वायर्ड है। गेटिंग माई थिंग, यस और नो? तो आओ जी आज हम लोग बातें करेंगे बहुत सिंपल सिंपल चीजों की, और इन डेप्थ बातें करेंगे कि ये चीजें सर हमको पता तो थी पर ऐसे होती थी ये हमें नहीं पता थी। अभी आपके पास आई होप किसी के पास भी कोई नोट्स नहीं है तो नो इशू, स्क्रीन पे आई विल ट्राई टू मेक यू अवेलेबल। ये बुक है आपको विद इन फ्यू डेज मिल जाएगी, इट इज गॉन इन टू प्रिंटिंग। ओके जी, न्यू बैच की जो बिल्कुल अपडेटेड बुक है यू विल गेट इन सम डेज। चलो जी धीरे धीरे साथ साथ बातें करते रहेंगे उसका रेफरेंस लेते हुए। सबसे पहले मुझे बताएंगे जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं 2 साल से करते हुए आ रहे हैं, इस अकाउंटिंग को बनाया किसने होगा? क्या यूनिवर्स ने हमको अकाउंटिंग दी? हाँ जी, किसने अकाउंटिंग दी? इज अकाउंटिंग मैन मेड और नेचुरल? पक्का? यस सर, अकाउंटिंग इज मैन मेड। ये इंसान ने या कुछ इंसानों ने बनाई है तो पक्का पक्का है। उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स फ्रेम करे तो सिंप्लीफाई एवरीथिंग, हमने अकाउंटिंग पढ़नी स्टार्ट की और वो हम लोग फॉलो करते। तो जो पर्सन अकाउंटिंग नहीं करता क्या वो बिजनेस नहीं कर सकता? या ऐसा कोई रूल है कि आपके पास कोई अकाउंटिंग की डिग्री होनी चाहिए तभी आपके बिजनेस को लीगल माना जाएगा? आपके घर के बाहर भी जो किराने की दुकान खोल के बैठा हुआ है ग्रोसरी वाला, ओके, क्या वो बिजनेस नहीं कर रहा? वो कर रहा है। तो क्या उसको अकाउंटिंग की तरह प्रॉपर फॉर्मेट्स आते होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ऐसा कर रहा होगा क्या वो कुछ? तो फिर वो कैसे अकाउंटिंग कर रहा है मुझे बताओ, कैसे कर रहा है वो? सिंपल, एक रजिस्टर, एक नोटबुक वो मेंटेन कर रहा है। आपने देखा होगा उनके पास एक रेड कलर की बुक सी होती है या नोटबुक होती है जिसमें थ्रेड वगैरह से कुछ लिखा हुआ होता है बाहर, देखिए किसी ने कि नहीं देखे उसको? वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं भाई खाता, और हमारी लैंग्वेज में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। लेकिन वो वहां पर ऐसे फॉर्मेटिंग नहीं करते, वो वहां पर ऐसे फॉर्मेटिंग नहीं करते। वो क्या करते हैं, मान लेते हैं आपने उनसे कोई सामान लिया, कैसे, उधार पे। वहां पर हम हर टाइम तो कैश नहीं देते, हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो वो क्या लिखेंगे? मान लेते हैं आपका नाम राहुल है, वो राहुल लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 750 रुपीज, आपसे 750 लेने। जब आप ये पैसे देने जाएंगे तो वो क्या करेंगे? आपका नाम काट देंगे, सिंपल। वो आप थोड़ी रख सकते हैं। यही एग्जैक्ट सेम काम अपनी अकाउंटिंग में करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, बट विद फॉर्मेटिंग। हम अपनी अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम मिस्टर राहुल को एक इज्जत से कोई न्यू नाम देंगे, दैट राहुल इज माय डेटर, तो मैं राहुल को डेबिट करूंगा विद 750। और जब राहुल मुझे पेमेंट देने आ जाएगा तो यहां पर हम ये किसे काटते नहीं है, प्लस को काटने के लिए माइनस यूज होता है मैथमेटिक्स में, ओके, और किराने की दुकान में क्रॉस लग जाता है। लेकिन हमारी दुकान, मतलब अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारी दुकान में राहुल हो जाता है क्रेडिट, ऐसे ही होता है ना। ये हमारा इरेजर है, हमारा इरेजर ऐसे नहीं काटता, हमारा इरेजर ऐसे ठीक करता। समझ आई सबको मेरी बात? तो ये चीजें हम लोग यहां पर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारी अकाउंटिंग कैसे अलग है बाकी चीजों से, ऑल्दो इफेक्ट उसका भी सेम निकल गया आता है। क्या प्रॉफिट वही निकाल सकता है जिसको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना आता है? किसने कहा ऐसा? ऐसा तो नहीं है। क्या उसको अपना प्रॉफिट ही नहीं पता होगा पूरे साल का कितना हो रहा है? ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसका जो प्रॉफिट है, जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, जो उसने वर्किंग नोट, जो उसने ड्राफ्ट बनाए हुए हैं, वो कहीं पर भी वो सबमिट नहीं कर सकता। जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनको उसके वाले वर्किंग नोट्स और ड्राफ्ट और सब चीजें नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको एक फॉर्मेट के अंदर, एक प्रॉपर एनेक्शर्स के अंदर, एक डिस्क्लोजर्स के अंदर हर एक चीज चाहिए। चलो हम उसकी बात करें, वो तो एक स्मॉल साइज बिजनेस है, शायद पूरे साल की भी बात करें तो 10-15 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा भी सोचें तो। हम लोग यहाँ पर क्या बातें करेंगे, आपने तो कई बार फिगर्स भी देखी होंगी, आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता होगा कि सर पॉकेट में तो हमारे 100 रुपए भी नहीं है और हम बातें कर रहे हैं लाखों करोड़ों की। ऐसा होता है कि नहीं होता? फिगर्स इन लैक्स, फिगर्स इन करोड़, तो यहाँ पर हमको करोड़ों की बातें करनी है। तो यहाँ पर करोड़ रुपीज को संभालने वाले कौन हो? हाँ, फिजिकली आपको करोड़ रुपए कोई नहीं दे रहा, लेकिन करोड़ रुपए का हिसाब किताब रखने वाले कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो
तो उसके में कोई भी लूपहोल ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड डूइंग दिस अकाउंटिंग, ओके। और इसके इंपैक्ट अलग अलग स्टेक होल्डर को कैसे कैसे पड़ते हैं वो भी हम लोग समझने वाले, ओके। हमारी अकाउंटिंग में कितना दम है शायद आपको पता नहीं है, जितना पता है उससे भी ज्यादा। लेट्स टेक मी यू ऑन सम अनदर जर्नी, मैं आपको एक जगह और लेके जाता हूं। यू ऑल नो, हम आज के बिजनेसेस की बात करें तो क्या आज का बिजनेस सिर्फ आइसोलेटेड है टुवर्ड्स हिज ओन कंट्री? अगर आज आप बिजनेस करते हैं तो क्या आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप बस अपने ही देश में, अपनी ही कंट्री में बिजनेस करेंगे? ऐसा कुछ है या बहुत ही जल्दी आप अपनी कंट्री के बॉर्डर पार करके कहीं और भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। उसका बेस्ट मैकेनिज्म है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन आपकी वेबसाइट कोई भी देख सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। हर जगह आपके बिजनेस को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, बाइंग सेलिंग की जा रही है। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन तो वैसे ही इजी था, नाउ विद डिजिटलाइजेशन इट इज सुपर सुपर इजी। आप जरा देखते हैं मेरे बिजनेस की डिमांड कहीं और क्रिएट हो रही है, आप वहां पर एक और स्टोर ओपन कर लेते हैं, किसी को फ्रेंचाइज दे देते हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। देयर आर न्यूमरस थिंग यू कैन डू। तो क्या दिक्कत होती थी उसको हम लोग समझते हैं। अभी कुछ ईयर से पहले, जब ग्लोबलाइजेशन आ चुका था, कब आया था ग्लोबलाइजेशन? 1991, when Dr. Manmohan Singh announced new economic policy, तो इंडिया के अंदर तीनों के तीनों concepts थी, liberalization, privatization, globalization, एक ही बारी में launch कर दिए गए, जिसका effect obviously धीरे-धीरे देखने को मिला और country के लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए move on होने शुरू हो गए। तो कौन कौन, अगर मैं professionals की बात करूं, move on सबसे ज्यादा हो रहे थे? सबसे पहले doctors, Indian doctors serving in US। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे डॉक्टर्स गए, बहुत सारे सर्जन गए जो पहले इंडिया में काम करते थे, अब वो यूएस में करने लगे। अभी मैं प्रोडक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, ओके। इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियर्स तो आप लोगों ने सुना होगा, पक्का किसी के भैया दीदी होंगे जो कोई यूएस में होंगे, कोई यूके में होंगे, कोई कैनेडा में होंगे, कहीं और होंगे। इनका भी बाहर जाना कैसा हो गया? ईजी हो गया, ओके। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स की बात करें, जो एक्चुअरीज वगैरह होते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा, वो भी जाना स्टार्ट हो गए। जो रिसर्चर्स होते हैं या PhDs हम इनको बोल सकते हैं, ये भी जाना स्टार्ट हो गए और बाहर पढ़ाने लग गए। बहुत वैल्यू है इंडियन PhD की बाहर भी। लेकिन ऐसा कौन सा प्रोफेशनल था जो बेचारा बाहर नहीं जा पाया? एंड यूएस डजंट मीन यूएस ओनली, एनी कंट्री, यूएस, यूके और एनी अदर कंट्री। ऐसा कौन सा प्रोफेशनल था जो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पा रहा? बताओ 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 बताओ। हमारा प्रोफेशन दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसको बड़ा दुख होता था कि ये बाहर, बाकी सारे तो बाहर मूव ऑन कर सकते हैं, इनके पास तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास नहीं है। ऐसा क्यों होता था? लेट्स अंडरस्टैंड। जो डॉक्टर था, अगर वो इंडिया में किसी को ऑपरेट कर रहा है, किसी की हार्ट सर्जरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या यूएस वाले का हार्ट अलग तरीके से बिहेव करेगा? कि उसका हार्ट भगवान ने अलग बनाया, ऐसा होगा? या उसकी बॉडी मूवमेंट अलग होगी? नहीं होगी। ब्रेन सर्जरी करनी है, कुछ भी करनी है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकता है। यहाँ का इंजीनियर यहाँ सॉफ्टवेयर बना रहा है, हार्डवेयर बना रहा है, क्या वो बाहर बना रहा है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? आज हम इंडिया में बैठ के क्या बाहर के सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते? क्या हम गूगल पे काम नहीं कर रहे? क्या हम माइक्रोसॉफ्ट पे काम नहीं कर रहे? क्या हम एडोब पे काम नहीं कर रहे? सब पे कर रहे हैं, सब बाहर की कंपनीज है। वो बात अलग है कि उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्लॉइज आर इंडियंस ओनली, तो कर पा रहे हैं काम, और वहां पर भी इंडियंस काम बड़े आराम से कर सकते थे और कर रहे हैं, ओके जी। क्या एक्चुअरीज या रिसर्चर्स जो टीचर्स हैं वो वहां पर काम नहीं कर सकते थे? वो भी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे। तो इनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे अच्छे से खुल गए, लेकिन हमारे लिए नहीं खुले। क्यों नहीं खुले भाई हमारे लिए, बताओ? क्योंकि जो हमारे लॉज थे, जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, वो हमारे ओन कंट्री स्पेसिफिक थे, हम बोलते हैं हमने AS2 पढ़ा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बाहर वाले बोलते हैं क्या होता है AS2? हम तो नहीं जानते AS2 को, हम तो AS वर्ड को ही नहीं जानते। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का A और S पकड़ के उसको AS बोलना शुरू कर दिया, हमें तो ये भाषा समझ में नहीं आती। तो सब कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने सोचा कि चलो जी, क्यों ना अपने प्रोफेशन को भी क्या बनाया जाए, ग्लोबल बनाया जाए। और एक कमेटी को बिठाया, जिसको उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IASB। इंटरनेशनल क्योंकि ग्लोबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्योंकि इसी पे बात होनी है, और उसके लिए क्या बन गया, बोर्ड बन गया, एक कमेटी बन गई। और हर कंट्री के इंस्टीट्यूट के जो टॉप मोस्ट मेंबर्स है, जिसको हम अपनी भाषा में काउंसिल मेंबर्स बोलते हैं,
जो हमारे इंस्टीट्यूट को रन करते हैं उनको बुलाया गया और बोला गया कि हर एक दिन या कुछ कुछ डेज में सब लोग अपनी कंट्री में जो प्रीवेलेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर क्या देंगे, उनके ऊपर सेमिनार्स देंगे, उनके ऊपर पीपीटीज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट इज इन योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बेटर है या उसमें क्या कंटेंट है। ओके, सब कंट्रीज ने अपने अपने एएस दिए, अपने अपने एएस बताए, क्योंकि तभी बनेगा ना कुछ बेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ग्लोबली हर जगह पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, तो ये काम चला अराउंड 3 months, 3 महीने तक ये काम हुआ। 3 महीने बहुत होते हैं, मतलब 90 days, और रेगुलर प्रोसीजर चल रहा था। 3 महीने तक ये काम चला और इसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने फॉर ग्लोबल लेवल उनको आज हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, शायद आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना। ओके, सुना होगा 11th में या कभी भी, मतलब क्या है इसका इंटर, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ओके जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IFRS। एंड यू मस्ट बी ग्लैड टू नो कि इसका जो कंटेंट है, जो इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, वो सबसे ज्यादा कहां से इंस्पायर हुए, वो सबसे ज्यादा कहां से डेवलप हुए, फ्रॉम अवर ओन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतनी ज्यादा डेप्थ थी, इतनी ज्यादा डेप्थ थी कि सारी चीजें उसके अंदर आ रही थी जो सब IFRS में आई, बल्कि IFRS में उससे भी कुछ कम आया। ऐसा क्यों, कि हमने कुछ पैसे खिलाए होंगे ISB को कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखने चाहिए भाई। हाँ जी, कि US के भी नहीं दिखे, UK के भी नहीं दिखे, डेवलपिंग नेशंस को तो छोड़ ही दो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, कि हमारे सबसे ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पर दिखते हैं। आप जरा पढ़ना भी स्टार्ट करोगे आपको लगेगा ये तो वही है जो अभी मैंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा। ऐसा क्यों, रीजन क्वेश्चन इज वाई, मोर इफेक्टिव, क्यों मोर इफेक्टिव, इसके पीछे क्या रीजन होता होगा, प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व करके बनाया गया, एब्सोल्युटली करेक्ट। और कुछ, वो तो ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे पूरे बोर्ड को, इसलिए उन्होंने कहा नहीं ये वाला भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ट है, जितना इसमें कंटेंट है इसमें भी बहुत डेप्थ है, ये सब चीजें IFRS का पार्ट होनी चाहिए। हाँ जी, इफेक्टिव होंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, बोर्ड मस्ट बी नॉन बायस, वो तो बायसनेस नहीं कर सकता, वो ग्लोबली काम करने लगा हुआ है, यहाँ पर किसी कंट्री को स्पेसिफिक या कंट्री बायसनेस आ ही नहीं सकती। ओके, तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि वो पक्का पक्का मोर इफेक्टिव होंगे। मेरा क्वेश्चन है मोर इफेक्टिव क्यों होंगे, ये तो मैं मान गया, आप ही की बात पे मैंने मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी। माय क्वेश्चन इज क्यों होंगे भाई, हमारे में ऐसी क्या चीज है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, मोर अंडरस्टैंडेबल बना रहे होंगे, और कुछ, हाँ जी, मोर रिसर्च करी होगी जब हमारे AS बने होंगे उस टाइम पे। जो सबकी प्रॉब्लम्स होंगी बेसिकली उसका सोल्यूशन भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हो रहा होगा, काफी पास आ चुके हैं हम लोग। एग्जैक्ट आंसर इसका ये है कि जो हमारी कंट्री है ना, दैट इज इंडिया, इसमें हर तरह के लोग पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, आप पुअरेस्ट की बात कर लो आपको इंडिया में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप मिडिल क्लास पर्सन की बात करो इंडिया में मिलेगा, भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप द मोस्ट रिचेस्ट की बात करो वो भी आपको इंडिया में मिलेगा। आप टॉप 10 रिचेस्ट की कैटेगरी निकाल लो, चाहे हमारी कंट्री टॉप 10 में नहीं आती, वो बंदा आपको जरूर मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतनी वैरायटी है कि वो पुअरेस्ट को भी सर्व कर रहा है, वो मिडिल क्लास को भी सर्व कर रहा है, और द मोस्ट रिचेस्ट को भी सर्व कर रहा है। और हमारा पूरा ग्लोब भी ऐसे ही है, हमारे ग्लोब में कुछ कंट्री है बहुत अमीर, बहुत डेवलप, कुछ है जहां पर खाने पीने के भी पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे। नाम नहीं लेना चाहिए, पड़ोसी देश है, बुरा मान जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतना दम था कि वो हर एक को अच्छे से सर्व कर सकता था, तो बिल्कुल रेडीमेड थे, चाहे वो हमारी कंट्री के लिए थे, क्योंकि हमारी कंट्री एक तरीके से ग्लोब की तरह वर्क करती है। आप थोड़े किलोमीटर तक आगे जाओ आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपका कल्चर चेंज हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। ओके, तो सब चीजें जब हमको इंडिया में मिल रही थी और उसी के हिसाब से हमारे सारे रूल्स है, हमारे टैक्सेशन रूल्स भी ऐसे हैं कि नहीं है, क्या हमारा टैक्सेशन रूल बोलता है सबसे टैक्स लेंगे चाहे उसकी हालत ना हो टैक्स देने वाली, ऐसा बोलता है, क्या बोलता है एक कैटेगरी तक तो टैक्स लेना ही नहीं है, खुद कमाओ खुद खाओ, पहले अपना घर चला लो अच्छे से, ऐसा कहता है कि नहीं कहता। तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, हमारे जो बाकी रूल्स भी हैं, काफी लिबरल हैं, लोगों का दर्द समझते हैं। और जब हम ग्लोबल लेवल पे ऐसे रूल्स नहीं बना सकते कि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं कि ये रूल है ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा,
बताओ जी, किसी के पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए, क्या वो अकाउंटिंग करेगा फॉर्मल? क्या एक अकाउंटेंट रख के बैठ जाएगा 20,000 रुपए महीने का, रख सकता है वो? नहीं रख सकता। तो इस वजह से जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किए गए वाइल प्रिपेयरिंग IFRS, सो यू मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब हमारे ICA के थ्रू, और ICA का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब हम लोग। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ओके जी, तो यहां से अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल जर्नी में सिर्फ हम लोग टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते, टॉपिक्स के बिहाइंड क्या क्या चीजें चल रही है वो भी हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज या IFRS की नॉलेज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में इतनी डेप्थ में दी जाती है, आप लोग मुझे पक्का पता है साथ में कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन के बारे में भी सोच रहे होंगे, सोच रहे हैं। तो आप कहीं से भी कुछ भी ग्रेजुएशन करो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ भी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो वो ये सब चीजें कभी भी नहीं पढ़ सकते, उनके कोर्स करिकुलम में कभी भी AS और IFRS वगैरह बातें कभी भी नहीं होती। तो मुझे बताओ, मैंने AS पढ़ा हुआ है, I am a क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू ऑल नो, क्या मेरे को बड़ी दिक्कत है अपने आप को IFRS में कन्वर्ट करने के लिए? बड़ी टेंशन वाली बात है कि अब तो IFRS सारी जगह पे चलते हैं, मैं तो आउटडेटेड हो गया। क्या इंडियन CS को दिक्कत है मुझे बताएंगे सब लोग? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ के वो सब आए हैं जो IFRS में है। हाँ, नंबर जरूर चेंज हो सकते हैं, नंबर जरूर चेंज हो सकते हैं, मेरे AS का कुछ नंबर, आपके IFRS का कुछ नंबर, और करेंसी जरूर चेंज हो सकती है। मैं यहां पर बातें करता रहा रुपी 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 में, आप मेरे से बातें करवाओगे डॉलर डॉलर डॉलर, ऐसे ही होगा। अब तो हमारी रुपी करेंसी को भी और ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही? कुछ कुछ कंट्रीज रुपी करेंसी को अपने भी फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट कर रही हैं बिल्कुल। चलो जी, तो ये बातें हो गई हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बैकग्राउंड के ऊपर कि ये चीजें ऐसी क्यों हैं। अब कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपको पता तो है पर उसके पीछे का रैशनल क्या है, उसके पीछे का रीजनिंग क्या है, वो हम लोग यहां पर समझेंगे। हमारी अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं, मुझे बताओ कौन से? आज की क्लास में मैं आपसे भी बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, आप सोच रहे होंगे सर पहली क्लास है इतना कुछ पूछ रहे हो, बट यस आई वांट टू नो कि आपके माइंड में क्या क्या चीजें। सर कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, वेरी वेरी गुड, ये दो तरीके होते हैं अकाउंटिंग करने के। मुझे बताओ इजी तरीका कौन सा होता हो? कैश बेसिस। ओके, कैश बेसिस तो बहुत आसान है, पैसा आया तो डेबिट कर देंगे अपने बुक्स में, प्लस कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। पैसा आया मतलब इनफ्लो, यहां पे रिकॉर्ड कर दो, और पैसा गया मतलब आउटफ्लो, यहां पे रिकॉर्ड कर दो, बैलेंसिंग आई जाएगी कि कितना पैसा बचा। ये तो मैं किसी को एक दिन में भी सिखा दूं तो वो अकाउंटेंट बन जाए। ओके, इतना काम तो वो कर लेगा ना भाई। एक चीज मैं उसको सिंपल सा बोलूंगा, ये तेरा रजिस्टर का पेज है, इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर, ट्री सा बना दे, टी अकाउंट बना दे, और जब पैसा आएगा इधर इधर लिखता जाइए, और जब जाएगा तो इधर इधर लिखता जाइए, बस इतना काम करना है तेरे को सुबह से लेकर रात तक। कर देगा कि नहीं कर देगा? जब इतने सिंपल जिंदगी चल रही थी तो हम यहां पर क्यों आए, क्यों आए? ये चलते रहने देना चाहिए था, बताओ? ट्रांजैक्शन क्योंकि क्रेडिट में भी होती है, तो कोई बात नहीं, अगर क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शन होती है, मैंने आपको उधार में सामान दिया, आज पैसे नहीं दोगे कल तो दोगे, जब कल दोगे तो मैं कल लिख दूंगा इनफ्लो में, परसों दोगे परसों लिख दूंगा, दिक्कत क्या? काम तो तभी भी चल रहा था ना। ठीक है जी, वेरी वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वंडरफुल आंसर। कि सर करंट ईयर का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको ठीक नहीं पता चलेगा, इसलिए अक्रूवल बेसिस फॉलो किया जाता है। सबको पता है बात की नहीं पता? मैं तो कह रहा हूं मैं करंट ईयर का प्रॉफिट गलत भी निकाल रहा हूं तो क्या दिक्कत है भाई? मान लेते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अक्रूवल बेसिस पे आना चाहिए था 10 लाख, आना चाहिए था 10 लाख, मेरा कितना आया क्योंकि मैं कैश बेसिस कर रहा था 8 लाख। ओके, और अगले साल भी 10 लाख आना चाहिए था, वो मेरी कवरेज हो गई करंट ईयर में, अगले साल 12 लाख आ गया, टोटल तो 20 लाख हो ही गया ना, क्यों लड़ रहे हैं हम लोग, क्या दिक्कत हो गई? एक साल का ही तो फर्क है, 8 का पहले आया 12 का बाद आया, टोटल तो अभी भी 20 लाख है, पटरी पे तो गाड़ी आ ही गई, क्यों इस मुश्किल रास्ते को फॉलो करें? पहुंच तो गए ना अपने डेस्टिनेशन, आगे पीछे की तो बात है ना, आगे पीछे तो जिंदगी चलती रहती है, क्या दिक्कत है उसमें? ये थोड़ी उसकी वजह से इतना मुश्किल काम पकड़ के बैठ जाएंगे, किसके साथ इतने सारे रूल्स फॉलो करेंगे, इतनी सारी फॉर्मेटिंग्स होंगी और दुनिया जान की चीजें होंगी। कैश बेसिस ठीक था, बस इसी वजह से कि प्रॉफिट एक साल का ठीक नहीं आता, वो कभी कभी दूसरे साल में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट में आपने बेचा होगा वो आप अभी लोगे नहीं, एक्रूवल वाला होते तो ले लेते, इसलिए अभी थोड़ा प्रॉफिट कम आया, बाद में बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, तो यूनिफॉर्मिटी करके करना भी क्या है, नहीं करना हमको यूनिफॉर्मिटी सब? और पहली बात यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं होगी, हम लोग सबको ही बोलेंगे ना सभी कैश बेसिस फॉलो करो, मैंडेटरी कर दो कैश बेसिस, अक्रूवल है ही नहीं,
हमें पता ही नहीं अक्रूवल भी कुछ होता, हो गया यूनिफॉर्मिटी, सभी कैश बेसिस में चल रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी तो हमेशा फ्लो को फॉलो करती है, यस और नो। रेड लाइट होती है, आगे के चार गाड़ियां निकल के जाएं, आप रोक के बैठोगे, आप भी निकालोगे उतनी स्पीड से, होगा यूनिफॉर्मिटी, बताओ जी। हाँ जी, लॉस मान लेते हैं, चलो लॉस भी आ जाएगा, अगले साल प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा उतना, सेटलमेंट तो होनी ही है, पता नहीं चलेगा लॉस हुआ कहां है, पता चला के करना क्या, अपना ही पैसा अपने ही पास रहना है। कंपनी की ग्रोथ और डाउनफॉल पता नहीं चलेगी एग्जैक्ट, चलो जी कुछ हद तक ठीक है आंसर। हाँ जी और बताओ। मुझे तो पता है ऑब्वियसली अक्रूवल, आपको सबको पता है कि दिस इज द ओनली एंड बेस्ट मेथड, स्टिल आई वांट टू नो कि कैश में और क्या क्या कमी है, बताओ बताओ बताओ। कुछ बोल रहे थे पीछे, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सपेंडिचर कहाँ ज्यादा हो रहा है नहीं पता चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट वायलेट होंगे। हाँ जी, उसे पैसा आया है या नहीं आया, या दिया है नहीं दिया, देखो उसके लिए तो बहुत और भी तरीके, हम लोग उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट बना लेंगे कि इनको इतना इतना सामान बेचा हुआ है, इनका पैसा नहीं आया, तो वो सेपरेट स्टेटमेंट बन जाएगी। स्टिल वी आर फॉलोइंग कैश बेसिस ओनली, तो वो पैसा हमारा खो नहीं जाएगा, वो हमको पता चल जाएगा किससे कितने रुपए लेने, अलग से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड बना लेंगे। हाँ वो तो बैड डेट देखो किसी भी सिस्टम में हो सकता है, चाहे आप अक्रूवल भी फॉलो करो या कैश भी करो, वो तो बात की बात है। अगर बैड डेट होगा जिस ईयर में पता चलेगा कि पैसा आने ही नहीं वाला, हम उस ईयर में उसको लॉस मान लेंगे, और क्या रीजन होगा मुझे बताओ। इस यस कंपनी की वैल्यूएशन है गुडविल, उसका इस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब आपका ये कहना है कि जब प्रॉफिट ही सही नहीं आ रहा, गलत आ रहा, तो वैल्यूएशन भी गलत ही होगा। ओके यस एब्सोल्युटली करेक्ट, गुडविल इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली, यस। नॉन कैश एक्सपेंस ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, वैसे तो नॉन कैश एक्सपेंस में बहुत ज्यादा होते नहीं है, लेकिन जो भी होते हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। चलो जी आपके सबके आंसर्स करेक्ट हैं, मुझे ये बताओ इससे दिक्कत कौन सी वाली पार्टी को सबसे ज्यादा होती होगी। पार्टी का मतलब समझते हैं ना, हमारे डेटर शोर मचाते होंगे ये कौन सा सिस्टम लगाया हुआ है, क्रेडिटर शोर मचाते होंगे, एम्प्लॉई शोर मचाते होंगे, बैंकर शोर मचाते होंगे, गवर्नमेंट शोर मचाती होगी, कौन शोर मचाता है, इन्वेस्टर शोर मचाते होंगे। क्यों जी, इन्वेस्टर को क्या दिक्कत, सबका ही कैश सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो वो अपना दिमाग कैश सिस्टम के हिसाब से चलाएंगे और इवेल्युएट करेंगे कंपनी को उसी बेसिस पे, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ही सब जगह कैश सिस्टम। एब्सोल्युटली करेक्ट, वंडरफुल आंसर, एग्जैक्ट, दिस इज द ओनली रीजन। बाकी सब रीजन सब्सिडरी हैं, सेकेंडरी हैं, लेकिन ये ओनली रीजन था कि प्रॉफिट पे क्या जाता है, टैक्स जाता है, तो दिक्कत किसको हुई, इनकम टैक्स एक्ट को हुई, और पहले उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में बोला दैट अकाउंट शुड बी मेड मैंडेटरी टू बी इन अक्रूवल मोड ओनली, फिर जाके अकाउंटिंग में आया कि अब अकाउंट्स आपके अक्रूवल मोड में बनेंगे, ये यहां से फ्लो हो गया। बात समझ में आती है कि नहीं आती, इसके लिए मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, मतलब एक एग्जांपल से प्रूव कराऊंगा कि कैसे हम लोग इनकम टैक्स वालों को चकमा देते हुए आ रहे थे। आओ जी समझते हैं। ओके, ये अब सबको आपको पता है अक्रूवल बेसिस फॉलो होता है, तो पता है ना क्यों होता है, उसके आंसर आज आपको मिल रहे हैं। तो सीए के अंदर आपको वो क्यों क्यों वाले आंसर अच्छे से पता होने चाहिए, तब आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर होगा कि ये जो चीजें कर रहे हैं ये कहां लिखी गई हैं और क्यों की जा रही हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लाइफ जी तो रहे हैं लेकिन इसके बारे में लिखा कहां पर हुआ वो हमने नहीं पढ़ा, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटिंग कर तो रहे हैं लेकिन किस वजह से कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने यहां पर दो ईयर ले लिए, वन इज माय प्रीवियस ईयर एंड अनदर इज माय करंट ईयर। हाँ जी, मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही समझ गया था आप क्या बोलने वाले, उसका इस एग्जांपल में आपको पूरा आंसर मिलेगा। ओके, वेट फॉर जस्ट 2 मिनट। चलो जी, मान लेते हैं हमारा जो रेवेन्यू निकल गया था, सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, मुझे बस आपके 2 मिनट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। ओके, लेट्स सपोज जो इस ईयर का रेवेन्यू निकल के आता है, या उसको हम लोग सेल भी बोलते हैं, तो आपको पता है रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट, इट इज जस्ट सेल या टर्नओवर, वो निकल के आता है 10 लाख रुपए, और यहां पर भी कितना निकल के आता है 10 लाख रुपए।
मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, इसलिए फिगर्स भी बहुत सिंपल ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और रेवेन्यू में से क्या माइनस होगा? एक्सपेंस। तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। ओके जी, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस होगा तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। तो मान लेते हैं मैंने क्या करा, मैंने इस साल जो इस बार के खर्चे अकर तो हो रहे थे उनको पे नहीं करा, मैंने उसको पोस्टपोन करा, मैंने उसको डिले करा, मैंने कहा 31 मार्च तक नहीं करूंगा, 1 अप्रैल को चाहे ले लो, 2 अप्रैल को ले लो, 4 अप्रैल को ले लो, मुझे ईयर को टापना है, मुझे फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में लेके जाना है, क्योंकि कौन सा बेसिस फॉलो किया जा रहा है? कैश बेसिस। तो मैं अभी पे नहीं करने वाला, ओके, मैं अभी पे नहीं करने वाला। तो देखो मैं क्या दिमाग लगाता था, और मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग लगाते थे, मेरा एक्सपेंस है लेट्स सपोज 5 लाख रुपए। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो बिजनेस खराब हो जाएगा। क्या मैं बिजली का बिल देना बंद कर सकता हूँ? बताओ, बिजली का बिल वालों को बोलूं 1 साल तक नहीं दूंगा, ऐसे ही चलाना, और अगले साल पूरा 2 सालों का दे दूंगा, मानेंगे वो मेरी बात? नहीं मानेंगे। ओके, सैलरी जो होती है वो तो वैसे भी कई बार 1 मंथ आपको आफ्टर मिलती है, तो कम से कम मार्च वाली सैलरी तो अप्रैल में दे ही सकता हूँ, इतना तो चल ही सकता ना सबको, 1 महीने की सैलरी अगले महीने की 7 तारीख को 10 तारीख को मिलती है, तो वो तो वैसे भी अगले महीने पे होगी। मैंने मान लेते हैं 2 महीने की बात करके आगे सेटल कर ली, और भी बड़े सारे खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट है और बाकी भी बहुत सारे हैं, मैंने उनको डिले करता चला गया, पोस्टपोन करता चला गया, तो मेरे खर्चे वैसे निकल के कितने आते हैं? वो निकल के आते हैं 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख। तो मैंने 5 लाख में से कितने खर्चे पे करे? सिर्फ 1 लाख जो मैंडेटरी वाले थे। तो मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना निकला? 9 लाख। और अगले साल मैंने क्या करा? अगले साल के भी पे किए, और पिछले साल के कितने रहते थे? 4 लाख। तो 9 लाख मैंने यहां पर पे किए, तो ये क्या बचा? 1 लाख। अगला साल शुरू होने से पहले उस साल में कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा हमको गवर्नमेंट उससे पहले बता देती है, यस और नो? अभी आया था ना बजट फरवरी में, फरवरी लास्ट वीक या लास्ट वर्किंग डे के आसपास आपका बजट आता है, क्या वो बजट उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाता है कि कल से जो कमाओगे इस हिसाब से टैक्स दोगे? ऐसा बोलती है गवर्नमेंट, या कब बोलती है? अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से उसके हिसाब से चला जाएगा। फरवरी में आपको बजट दे देती है और बोलती है आराम से फरवरी मार्च, अपना दिमाग लगा लो, सारे प्रोफेशनल भी समझ लें, जब 1 अप्रैल आएगी तो ये जो न्यू टैक्स रेट है ना, ये जो न्यू सिस्टम है, इस हिसाब से आपको काम करना है, जो 1 अप्रैल से इनकम होगी वो न्यू वाले बजट के हिसाब से उस पर टैक्स लगेंगे, बाकी सब चीजें होंगी। ओके जी, तो मुझे तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि अभी तो टैक्स है कम, और आगे टैक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आओ लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी हाइपोथेटिकल हम लोग रेट लेते हैं, यहां पर हमारा जो टैक्स था वो था 10%, और अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई टैक्स हो जाएगा 20%। तो बताओ भाई, प्रॉफिट 9 लाख, टैक्स कितना दूंगा? 90,000। प्रॉफिट 1 लाख, टैक्स कितना दूंगा? बताओ भाई, टोटल टैक्स कितना दिया? 1,10,000 मैंने दिया। अगर मैं ये चालाकियां ना करता और एक्रूअल बेसिस फॉलो करता तो क्या होता? ओके, तो क्या होता, आप समझते हैं? 10 लाख में से क्या माइनस होता? 5 लाख, क्योंकि उस साल का खर्चा तो उतना ही था। एक्रूअल बेसिस यही कहता है, खर्चा जितना होगा वो आपको हटाना पड़ेगा, चाहे वो पेड हुआ हो या ना हुआ, इट डजंट मैटर। प्रॉफिट कितना आता, और इधर भी कितना आता, बताओ जी? 5 लाख का 10% कितना देते? 5 लाख का 10% कितना? 20% कितना देते? टोटल कितना चला जाता? अभी कितना जा रहा है? कितना बचा लिया? ये 40,000 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो गई बहुत ज्यादा दिक्कत। उन्होंने कहा ये चलने नहीं देंगे, लोग तो हमसे भी चलाक हो चुके हैं। तो कैश बेसिस को यहां से हटा दिया, और क्या बोला? एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना है, फिर पे करो या ना करो, आपका बिल रेज हो चुका है, आपका एक्सपेंडिचर उस ईयर का माना ही जाएगा। और यहां से हमारी अकाउंटिंग ने ले लिया यू टर्न, जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मुझे बताएंगे सब बच्चे कि ये आपको किसने बताया था आज तक, रेज योर हैंड। किसी को भी नहीं पता, बताओ जी, ये बात पता होनी जरूरी है कि नहीं है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर क्लास 12th लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, एंड योर प्रोफेशनल जर्नी टुवर्ड्स सी एजुकेशन। तो आज मुझे आपको थोड़ा सा ट्रेलर ही दिखाना है कि आपको आगे पता चले कि हम क्या क्या करने वाले हैं। आपका माइंड 360 डिग्री ओपन करना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अकाउंटिंग में यू आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट। ओके, फिर कहीं पर भी कुछ भी चीज अगर अकाउंटिंग की बात आएगी तो आपसे ज्यादा जानने वाला कोई भी नहीं होगा। अब आप देख लो, यहाँ कितने भी बच्चे बैठे हैं, मेरी गारंटी है जितने भी बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड दिया हो, चाहे भी उनके वो टॉपर्स में भी क्यों ना हो,
उनको भी ये बात नहीं पता होगी, तो आप एक लेवल आगे हो गए कि नहीं हो, जस्ट पहली क्लास। तो ऐसे हर क्लास में यू विल गेट टू नो कि हम लोग कितना एक्सेल कर रहे हैं, हमारे पास कितना एज है बाकियों के मुकाबले। चीजें मैंने कुछ आपको अलग नहीं बताई, सब तो आपको पता था, मेरे पास तो आंसर भी आपसे ही आया कि सर टैक्स की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये प्रॉपर वे क्या था वो शायद आप मिस कर रहे थे, जो फिल करना इज माय रिस्पांसिबिलिटी। गॉट माय पॉइंट, यस और नो? तो देखो जी, यहां पर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए जाने अनजाने में। अक्रूवल को तो समझा, जो अकाउंटिंग का बेस है, और साथ में एक कॉन्सेप्ट और, एक कॉन्सेप्ट और मुझे बताएंगे आप लोग कौन सा कॉन्सेप्ट। चलो आप चाहते हो कि मैं आपको ऑप्शंस दूं, चलो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ए, हालांकि हमारा एमसीक्यू पेपर नहीं होना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या ये उससे लिंक हुआ? पहले आंसर मत देना जब तक आप मेरे चारों ऑप्शन सुनेंगे नहीं। बी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, क्या ये उससे टैली हुआ? मैचिंग कॉन्सेप्ट, या डी, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? बताओ जी, इसको समझने के बाद एक कॉन्सेप्ट आपका कौन सा इसके साथ और लिंक हो गया? माई वर्क इज कि आपको हिंट दूं और आपका काम है उस हिंट को इकट्ठा करूं और उसको अप्लाई करूं। बताओ जी, तब मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई बात की कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, ऐसी कोई बातें हुई? नहीं हुई। कंजर्वेटिज्म बात की, कंजर्वेटिज्म इज जस्ट प्रूडेंस, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ऐसी कोई बातें हुई? नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात हुई, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जिस साल के रेवेन्यू हो उसमें से उसी साल के एक्सपेंडिचर माइनस होने चाहिए टू गेट दैट ईयर प्रॉफिट। यही तो कर रहे हो, जिस साल का रेवेन्यू था उसमें से पहले कैश बेसिस में उस साल के खर्चे माइनस नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर हमने कर दिए बाय फॉलोइंग अक्रूअल बेसिस। तो यहां पर हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो गया। ड्यूअल एस्पेक्ट इज ऑलवेज डिफरेंट मेथड, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि एवरी साइड हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन की टू साइड्स होती हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं सबको? यस और नो? ओके, एक और कॉन्सेप्ट है जो इसी इलस्ट्रेशन के साथ लिंक हो जाता है। बताओ जी कौन सा? एक और कॉन्सेप्ट भी है। हाँ जी बताओ बताओ बताओ। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट? क्या बोलता है? रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, कब रिकॉग्नाइज करें? व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड, देन व्हेन, व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन अकर्ड, ट्रांजैक्शन हैज बीन अकर्ड। जब वो ट्रांजैक्शन अकर हो जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और पेड और नॉट, हमको उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना ही करना है। जब वो ट्रांजेक्शन हो जाती है, माई राइट टू रिसीव दैट अमाउंट गेट एस्टैब्लिश्ड, माई लीगल राइट टू गेट दैट अमाउंट गेट्स एस्टैब्लिश्ड, मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ। आपने किसी के लिए काम करा पूरा, आपने सर्विस उसको रेंडर कर दी कंप्लीटली, अगर अभी आपको उससे पैसे नहीं आए तो क्या आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। और अगर आपको किसी ने एडवांस दे दिया कि मेरे बेटे का बर्थडे है और आपको पूरा ऑर्गेनाइज करना है, ये पकड़ो 2,00,000 रुपए एडवांस, सब कुछ कर देना। मैंने पूछा बर्थडे कब है, तो उन्होंने कहा बर्थडे है जून में, अभी क्या चल रहा है अप्रैल में, उन्होंने कहा बर्थडे कब है 10th of June, और मुझे वो 2,00,000 रुपए देके चले गए। बताओ जी क्या मैं इसको अपना रेवेन्यू आज ही मान लूं? क्या मैं इसको रेवेन्यू मान लूं? नहीं मानूंगा, बिकॉज अभी मैंने कुछ उनको सर्विसेज रेंडर नहीं करी। जब तक मेरी तरफ से वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, आई कैन नॉट से कि वो मेरा रेवेन्यू अर्न हो चुका है, उसको मैं अपना अनअर्नड रेवेन्यू बोलता। और दिक्कत तब नहीं आती जब एक ही ईयर में बात होती है, दिक्कत तब आती है जब 2 years के बीच में क्लैशेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई 25th March को एडवांस देके चला गया था, 25th March को उसने मेरे को 2,00,000 रुपए दिए थे और मुझे 10th June को वो काम करके देना था। तो बताओ जी, ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, क्या उसमें मैं बाय सेल्स में ये 2,00,000 रुपए डाल सकता था? हाँ जी डाल सकता था, बिल्कुल भी नहीं डाल सकता था, मैं गलत प्रॉफिट को बढ़ा देता। ये 2 साल, ये 2,00,000 रिलेट करते हैं मेरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को, तो ये वाली बात भी हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट वहीं से तो पढ़ रहे हैं। ओके, तो अगर हमारी हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं तो हमको होल समनेस मतलब ओवरऑल चीजों को अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो लिखने की आज कुछ खास जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको बुक्स में मिलेंगी। अभी तो मैं बस आपको चीजें समझाने में, आपके माइंड को थोड़ा ओपन करने में जोर दूंगा। ओके जी,
इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बाद में बहुत अच्छे से। चलो जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और, हम लोग अकाउंटिंग के अंदर कैसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जिसके साथ मनी जुड़ी हो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या हम और किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते? एम्प्लॉइज ऑफ माई कंपनी आर वेरी ऑनेस्ट, करो जर्नल एंट्री। आती है किसी को? नहीं आती, इसकी हम एंट्री नहीं कर सकते। ओके, वी हैव अ वेरी हाई रेपुटेशन इन अवर बिजनेस, एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती। ओके जी, एक मेरे पास एंट्री है, मिस्टर ए परचेस्ड 10 trucks, बताओ जी क्या होगी जर्नल एंट्री? फ्रॉम एक्स लिमिटेड, जर्नलाइज। चलो जी, ट्रक्स डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, टू एक्स लिमिटेड। आगे आगे बताओ, बस हो गई एंट्री कंप्लीट सर? बस फॉर्मेट बनाना है, इसके अलावा बताओ ना फिर अमाउंट, क्या अमाउंट लिखूं? 10, तो फिर क्या ये एंट्री हो सकती है? अगर ये लिख दूं और आगे अमाउंट ना हो तो क्या इस एंट्री का कोई मतलब है? नहीं है। तो इसका भी आंसर सेम था कि इसकी भी एंट्री नहीं हो सकती, कहां से करेंगे एंट्री? अगर ये मुझे बोलते कि एक ट्रक है 10 lakh rupees का, तब तो मैं कर सकता था, लेकिन मेरे पास तो मॉनिटरी एलिमेंट आया ही नहीं, दिस इज जस्ट क्वांटिटी, इसका मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर भी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? फेल होता है, वॉयलेट होता है, तो इसकी भी एंट्री नहीं हो सकती। ओके, और आपके मैं एग्जाम की मार्किंग की भी बात कर दूं, जहां जहां पर भी आपसे जनरल एंट्री पूछी जाएगी, अगर आपने डेबिट क्रेडिट सही लिखा है लेकिन अमाउंट गलत है, आपको कितने नंबर मिलेंगे? 0 marks मिलेंगे। ओके, अमाउंट सही है, डेबिट क्रेडिट में कुछ गलत है, कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 marks मिलेंगे। पूरी एंट्री सही है लेकिन नरेशन नहीं लिखी तो कितने मार्क्स कटेंगे? सिर्फ हाफ मार्क्स कटेगा, क्योंकि नरेशन भी इंपॉर्टेंट है, लिखनी है। अच्छा, पूरी एंट्री सही है, नरेशन कुछ अटपटी सी लिखी है, कितने मार्क्स कटेंगे? 0 marks कटेंगे, मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। नरेशन लिखी होनी जरूरी है, चाहे कुछ भी लिखा हो, आगे तो एक वर्ड बींग ही लिखोगे ना, उसके आगे कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पढ़ने वाला एज सच, लेकिन लिखी होनी चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, जिस एंट्री की बात हो रही है उसी से रिलेटेड कुछ लिख के आओगे। तो अगर किसी ने नरेशन लिखी, मैंने आज तक किसी का पेपर नहीं देखा कि किसी ने नरेशन काट दियो, एंट्री ठीक हो और उसके हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लियो, तो वो पक्का पक्का आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, एंट्री ही गलत हो फिर तो नरेशन की कोई बात ही नहीं होती, फिर तो नरेशन ऑटोमेटिकली गलत मानी जाएगी, फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऑल राइट, फाइन। चलो जी, मैथ सबका कैसा है? हाँ, मैथ्स कैसा है? ऐसा मैथ्स पढ़ा था कि बस आज के बाद जिंदगी में पढ़ना ना पड़े, कि ऐसा पढ़ा था कि आगे भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं? कितने बच्चे हैं? बिल्कुल फ्रेंकली बताएंगे सब बच्चे, कितने बच्चे हैं जो मैथ्स से अपना पीछे छुड़ाना चाहते? इतने सारे बच्चे। और कितने बच्चे हैं जिन्होंने बहुत इंजॉय किया, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? इंटीग्रेशन को बहुत इंजॉय किया, डिफरेंशिएशन को। ऐसे ऐसे महात्मा लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, कौन कौन है? अच्छा, 2 लोग हैं जिन्होंने बहुत मजे से 12th की अकाउंट्स पढ़ी है, सॉरी मैथ्स पढ़ी है, अकाउंट्स में तो सारी माहिर होते हैं, मैथ्स पढ़ी है। कितने? 3-4 लोग ही मुझे दिखे, बाकी लोगों ने इतना कंफर्टेबली अपना हैंड्स रेस नहीं किया। एनीवेज, चलो हम मैथ्स को भी सिंप्लीफाई करेंगे अपने अकाउंट्स में, मैथ्स को भी एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, जो आपने शायद इससे पहले वो भी नहीं पढ़ा होगा, और वो बिल्कुल बिल्कुल आपके अकाउंटिंग में, आपके अकाउंटिंग में क्या होगा, जिसका बच्चों को सबसे ज्यादा डर रहता है, इसलिए मैं पहले ही दिन आपके मिथ क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल वो अकाउंटिंग में मैथ्स अलाउड होगा। मैं कोई अलग मैथ्स नहीं करवाने वाला, कहीं सोचो सर शायद वैदिक मैथ्स पढ़ाएंगे, वो मुझे खुद भी नहीं आता। ओके, वही पढ़ाऊंगा जो मुझे आता है, तो वो 100% अलाउड होगा, और आप एग्जाम में वो करके आएंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब तो इंस्टीट्यूट भी उसको अपने स्टडी मटेरियल में या बहुत सारी जगह पर वैसे सॉल्व करके भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, तो नो नीड टू वरी। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं आपको कराई जाएगी कि जिसके बाद आपको डाउटफुल होना पड़ रहा है कि ये चीज में क्या पेपर में भी करके आ सकता हूँ। कराई वही जा रहा है जो आपको पेपर में करके आना, ऑब्वियसली यूर रिजल्ट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवर सक्सेस ऑल्सो। ओके जी, तो इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें करते हैं, और आई वॉन्ट टू नो कि आपके क्या आंसर्स होंगे। छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, लिख भी सकते हो और साथ में समझेंगे भी। ओके, चाहे आप कहीं पर भी लिख लो, बट इसको लिखेंगे आज, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल 5th-6th class के क्वेश्चन है, उससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं है, उससे ऊपर का मैथ्स तो मैं भी भूल चुका हूँ। ठीक है जी,
तो क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1000, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1000, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट प्राइस. फाइंड प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस. देखो अभी कोई छोटा बच्चा घूम रहा होता तो आंसर बोल के चला जाता, लेकिन लिख के बताओगे मुझे, ऐसे मुझबानी आंसर नहीं देने. हमारे अकाउंट्स का पेपर ही पूरा लिख के होगा, चाहे आंसर ऐसा लगे कि ये तो बहुत इजी है तभी भी लिखना है. लिखने की आदत कैसे होगी आपको? डन सर, ऐसा लग रहा है आज आप मजाक के मूड में हो. देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, अभी इसी क्वेश्चन को हम आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब 20% ऑन सीपी. इसको मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ 1/5, यस और नो. कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000 ये गिवन था, तो ये कितना हो गया? 200 हो गया प्रॉफिट. ओके जी, तो जब प्रॉफिट 200 है और कॉस्ट प्राइस आपकी 1000 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सुपर इजी, यस और नो? पक्का पक्का? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 500, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन सेलिंग प्राइस. फाइंड कॉस्ट प्राइस. इसमें भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं. क्या आएगा कॉस्ट प्राइस? 375. आओ जी देखते हैं. प्रॉफिट है 25% ऑन एसपी, मतलब 1/4 ऑन एसपी, और एसपी कितना है? 500. कितना हो गया? तो 125 तो हमने कमा लिया और 500 का बेचा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर लो, वैसे तो आपने खुद ही सॉल्व किया होगा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2000. ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेलिंग प्राइस. फाइंड प्रॉफिट. Take your time. I am not expecting any answers right now. Solve as you can. आपको अपने ex को याद करना है, उसको भी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है मेरी तरफ से. आंसर आना चाहिए 500. All right. I am listening all the answers, but will solve after I get all answers from everyone. सबसे मुझे आंसर चाहिए तभी मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ. अच्छा आंसर्स बताओ जिसने जो जो दिए. आई वांट टू नो आंसर ऑफ प्रॉफिट ओनली. मैंने यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं लिखा. पहला क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग. हाँ जी बताओ क्या क्या आंसर्स है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट. हाँ जी, और कोई आंसर? जो भी आंसर आ रहा है आपको देना है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते मेरी क्लास में कि सर आया तो है लेकिन मार्क्स का अलग है तो मैं दूंगा ही नहीं. वो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस यहाँ पर दिखाएगा. इस पे हम बाद में भी डिस्कशन करेंगे कि आपको क्लास में कैसे बिहेव करना है और हम लोग कैसे क्लास को रन करें. टेक योर टाइम और आराम से सब लोग सॉल्व करें. ऑनलाइन आंसर्स हैं मेरे पास 500 भी एंड 400 भी है. ऑल डिफरेंट आंसर्स आई विल राइट डाउन हियर.
हाँ जी, और किसी का कोई अलग आंसर? 2500 प्रॉफिट, चलो जी कोई बात नहीं। एनी अदर आंसर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फोर हंड्रेड अगेन। थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री। हाँ जी, स्टूडेंट्स वॉचिंग क्लास फ्रॉम यूट्यूब, 500 500। ऑल राइट, बताओ जी मुझे यहां पर बैठे हुए जनता, 500 वाले कितने हैं? 500 वाले इतने सारे हैं। ओके जी, 400 वाले कितने हैं? क्या आप ही में से तो किसी ने बोला था 400 भी? वो बच्चे ने भी मना कर दिया। चलो जी आओ देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस है यहां पर 2000 और प्रॉफिट है 20% कॉस्ट पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट पे नहीं, किस पे? सेलिंग प्राइस पे। अगर सेलिंग प्राइस ही दिया होता उस पे प्रॉफिट होता फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन यहां पर आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट किस पे है? सेलिंग प्राइस पे। तो 20% ऑन एसपी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/5 ऑन एसपी। मुझे बताओ 20% इज इक्वल टू 1/5। ओके जी, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, आई नो बहुत सारे बच्चों ने एक्स ले लिया होगा, लेट एसपी बी एक्स और प्रॉफिट हो गया 20% ऑफ एक्स, और फिर आपने प्रॉफिट के लिए लिखा एसपी माइनस सीपी। ओके, तो जो भी आपने एसपी लिया एक्स माइनस करके आपने उसको सॉल्व किया होगा और आपका आंसर निकल गया होगा। कितने बच्चों ने ऐसे एक्स या किसी चीज को लेट करके सॉल्व किया? बहुत सारे बच्चे। ओके जी, तो अब हम लोग देखो यहां पर क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल मेथड। ये हमको कुछ बताता है फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन नहीं कोई भी फ्रैक्शन, ये क्या बताता है इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। ये क्यों डरा रहा है मेरे को माइक? ये कह रहा है अगर 5 रुपए की सेलिंग प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट। जो डिनोमिनेटर होता है इट रिलेट्स टू द राइट वेरिएबल। जो 5 रुपीज की सेलिंग प्राइस है तो कितने का प्रॉफिट कमाता हूं? 1 रुपए का। तो जब 5 रुपए की कोई चीज बेचता हूं तो 1 रुपए का मैं प्रॉफिट कमाता हूं। बिल्कुल, मैंने इसको माइक्रो लेवल पे लेके चला गया, मुझे नहीं पता टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। तो अगर आप कोई चीज 5 रुपए की बेचते हैं और 1 रुपया कमाते हैं तो मुझे बताओ आपको घर पे कितने की पड़ती है? 4 रुपए की। सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये कॉस्ट प्राइस 4 का पढ़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास जो डाटा दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पे। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, यही मेरा जादू है। तो और इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास तो सीपी है इस एसपी का, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, यहीं बैठा रहूंगा सुबह से शाम तक अगर इसी को लेके बैठा रहूंगा। तो प्रॉफिट अब मैं ये बोल सकता हूं प्रॉफिट 1/4 है किस पे? सीपी पे। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? इसका मतलब क्या है, अगर 4 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, हाँ जी अगर 4 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कहां गलत बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं हम लोग। और अब देखो हमारे लिए क्वेश्चन करना कितना ईजी हो जाएगा, 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 है, तो कितना हो गया प्रॉफिट 500। अगर मैं इसको एक्स लेट करके करता, बिलीव मी मेरा ये पूरा पेज और बल्कि नेक्स्ट पेज भी भर जाता अगर मैं उसको प्रॉपरली करता। आपने भी अगर एक्स सॉल्व किया होगा तो इतनी जल्दी तो नहीं किया होगा, जिन्होंने हैंड्स रेज करे थे यहां पर सारे बैठे हुए, यस और नो? पक्का पक्का? सो यू गॉट दिस ट्रिक, यस और नो? सर इज इट एक्सेप्टेड इन अवर एग्जाम? भर भर के, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना, कोई टेंशन नहीं। ओके जी, तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हम लोग अकाउंटिंग में भी फॉलो करेंगे जिससे आपको खुद से लगेगा कि जो बाकी बच्चे पेपर करने जा रहे हैं और जो हम करने जा रहे हैं हम वैसे ही 10-15-20 मिनट उनसे आगे। पूरे पेपर में आपके 10-15-20 मिनट तो बचने वाली ट्रिक्स में आपको वैसे ही बता दूंगा, और ना उन टॉपिक से जो आपने आज तक नहीं किए बल्कि उन टॉपिक्स में से भी जो आप 2 साल पढ़ के आ चुके हैं जिनके बारे में अभी आपको उस ट्रिक्स के बारे में नहीं पता होगा। जिसमें से कुछ ट्रिक्स होंगी क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ होगा, हमें पता होगा कि बैलेंस शीट में टोटल क्या आने होगा। जब हमें क्वेश्चन के बैक के आंसर पता होते हैं हमारे पास एक लेवल कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है कि नहीं होता, कि अब जैसे मर्जी करके मिला के तो आ ही जाएंगे या कुछ भी हो, तो वो मिला के करेक्ट आंसर कैसे आना है? मैं चिटिंग की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल लॉजिकल चीजें हैं वो। इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट्स के जो टोटल है वो 200-500 हजार करके हैं और नीचे टोटल लिख दिया 50,000 रुपीज और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे काम नहीं करना। वो बिल्कुल रिक्वायर्ड स्टेप के हिसाब से आएगा, वो चीजें हम लोग आगे के लिए भी छोड़ते हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें सबको समझ में आई, यस और नो? पक्का पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, क्लियर है? चलो जी एक क्वेश्चन फिर मुझे भी आपको और देना पड़ेगा, ये तो
आपको ट्रिक बताने के लिए था, अब अगला क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सेलिंग प्राइस 3000, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/7 ऑन कॉस्ट प्राइस, फाइंड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/7 ऑन कॉस्ट प्राइस। All right. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ जी फटाफट से क्या आंसर निकल के आ रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो सेइंग 900। वेरी वेरी गुड, सबके आंसर 900 आ रहे हैं। एनी अदर आंसर? नो, पक्का? तो 900 इज द करेक्ट आंसर। आई गॉट इट कि आपको ट्रिक सबको समझ में आ गई है। देखो कितना जल्दी अब आप लोग कर पा रहे हैं। इसी को घर पे जाके अगर टाइम पास करना हो एक बार एक्स लेके करना, एक्स की याद आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व इतने इजी से नहीं होगा। ओके जी, तो देखो कितना सिंपल है। प्रॉफिट उन्होंने खुद ही बोला 3/7 ऑन सीपी। 3/7 ऑन सीपी का मतलब अगर 7 रुपए की कॉस्ट है तो 3 रुपए का प्रॉफिट है, 7 की अगर कॉस्ट प्राइस है तो 3 का प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ जी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10 रुपए का होगा, 10 का बेचते होंगे। बस इसी को तो मुझे अब ट्रांसफॉर्म करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/10 ऑन सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, कितना? 3000 इक्वल टू 3/10 ऑफ 3000, तो कितना आ गया? 900। इज इट डिफिकल्ट? नो। और क्या ये बातें सिर्फ प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में भी लगेंगी? या ये जो टेक्निक है बहुत जगह लग सकती है, बहुत जगह लग सकती है। जहां पर भी इस तरीके की कहीं पर भी कुछ कैलकुलेशन होगी, हर जगह ये टेक्निक लग सकती है। अगर आप लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा होगा तो वहां पर भी आपने देखा होगा ऐसा ऐसा कुछ हम लोग जंबल डिबे में वहां पर करते थे। क्रेडिट सेल दी हुई है, टोटल सेल निकालनी है, कैश सेल दी हुई है, तो वहां पर भी हर जगह ये चीजें लगने वाली है। तो एवरी प्लेस इट विल सेव यूर टाइम। हर जगह पर ये आपका पक्का पक्का टाइम क्या करेंगी? सेव करेंगी। ओके जी, तो बस आज के लिए मुझे पढ़ाना या बताना तो आपको इतना ही था। हमने ट्रिक भी समझ ली, एक आपको ट्रेलर मिल गया, और भी आगे ऐसे आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ आप लोग सीखोगे। आपको मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, रीकैप हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा। कॉन्सेप्ट्स बताए जो आप चीजें कर रहे थे, लेकिन वो क्यों कर रहे थे, या उसके पीछे जो चेंजेस आए वो किस वजह से आए थे, जो हमने अक्रूवल बेसिस में पढ़ा। हमने पेपर का ब्लूप्रिंट अच्छे से समझा, हमने अपने करिकुलम को जाना और ये देखा कि सिर्फ 11th 12th के टॉपिक के नेम सेम होने का मतलब ये नहीं है कि बस उतने ही लेवल का है, बहुत डेप्थ होगी उनके अंदर। टॉपिक सेम है, टॉपिक तो सेम हेडिंग से आगे भी चलेंगे बट उनके अंदर डेप्थ बहुत सारी होगी। ओके जी, और हमने ये भी समझा कि अभी ICA की थिंकिंग क्या चल रही है। हमने ये भी समझा कि हमारे हमारे प्रोफेशन में कितनी पावर है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी कंट्री से बेटर किसी के भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो IFRS में कन्वर्ट हुए। अभी छोटी छोटी और भी कुछ बातें। ओके, तो अभी वो स्कूल वाली घंटी नहीं बजी कि भागते हुए जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, वी हैव सम टाइम। हाँ जी, हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी अब उस पर बात कर लेते हैं। मेरी क्लास में सबसे ज्यादा लॉस एक ही कैटेगरी का स्टूडेंट का होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ किसका, और 2 कैटेगरी के स्टूडेंट का नहीं होता। टोटल 3 कैटेगरी के स्टूडेंट ही पाए जाते हैं जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। एक कैटेगरी वो इन 2 में से जिनका नुकसान नहीं होता, जो क्वेश्चन का आंसर तो करता है लेकिन उसका आंसर क्या होता है? गलत होता है। इसका कभी नुकसान नहीं होता। ओके, क्योंकि वो अपने गलत आंसर से सीखता है और उसको बात समझ में आती है कि उस टाइम पे मेरा आंसर गलत था, और एग्जाम में भी बात ध्यान आती है कि वहां पर मैं गलत कर रहा था, वो ऐसे करना था। तो आप कह सकते हो एक लिटिल बिट उसको पिंच सा होता है उसके माइंड में। मैं यहाँ पर किसी को हैरेस करने के लिए नहीं बैठा, वो यू ऑल नो दैट। ओके जी, तो वो उसको बात समझ में आ जाती है, अच्छा यहाँ पर एक टोका था किसी ने तो मेरे को ये काम नहीं करना। सेकेंड, उसको बहुत फायदा होता है जिसका आंसर क्या होता है? करेक्ट होता है। यहाँ पर भी जिसने करेक्ट किया उनको पक्का एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, ऐसा हमेशा होता है। ओके, तो उसको पक्का अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में वो और अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो नुकसान किसका होता है? जिसका कोई भी आंसर नहीं होता, ना उसका आंसर गलत होता है, ना उसका आंसर नो यस ठीक होता है,
मतलब उसका कोई वोट ही नहीं है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं किस साइड पे हूं, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। तो आई होप इस कैटेगरी में कोई भी कभी भी फॉल नहीं करेगा। अपना आंसर दो फ्रीली, चाहे गलत हो या सही हो, आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। ओके, साथ में हर टॉपिक को जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है, आपको साथ साथ घर के लिए क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा। स्कूल में मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था सर, मिलता तो था, करते नहीं थे। मिलता था करते थे कि नहीं करते थे? वो ऑनेस्टी से बच्चा कह रहा है, ऐसे ऐसे नहीं करते थे सर। तो यहाँ पर करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ पे तो करोगे ना। तो होमवर्क मिलेगा, वो आपको जरूर करना है, मतलब अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि वो हो ही जाना चाहिए, और नहीं होगा तो पता नहीं क्या दिक्कतें हो जाएंगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने से क्या होता है, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, हम लोग एक ट्रैक में जो होते हैं, घर जाने के बाद मेरा और आपका लिंक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप ट्रैक पे नहीं रहेंगे अगर आप वो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आप बुक भी नहीं खोलेंगे, आप नोटबुक भी नहीं खोलेंगे, ऐसे ही उठ के आ जाएंगे, तो आप ऑफ ट्रैक रहेंगे। मैं उससे आगे की बातें करूंगा, आपको पिछली बातें नहीं बताऊंगी। तो जो भी एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे दिए जाएंगे, वो आपको पक्का पक्का घर पे ट्राई करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। फिर उसका आंसर सही है गलत है बिल्कुल भी मैटर मेरे लिए तो खासकर नहीं करता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? साथ में जो जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम एनवायरनमेंट में करो, उससे बेटर है कि यहाँ पर करो। ये भी तो एक एग्जाम रूम की तरह ही है, कुछ अलग थोड़ी, ऐसे ही बैठते हैं ना एग्जाम में, और कैसे बैठते हैं? ओके, वो बात अलग है, वहां पर एक डेस्क पे एक ही स्टूडेंट बैठता है, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट होता है। तो आपको टॉपिक के साथ साथ क्या दिए जाएंगे, लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम आपको सॉल्व करने हैं। स्क्रीन पे आपके सामने टेस्ट आएगा, आपके बाद आपकी नोटबुक होगी, और आपको यहीं पर वो सॉल्व करना है, और मैं फिर आपको सॉल्व कराऊंगा ऑब्वियसली, और आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? समझ, सुनते जाओ, समझते जाओ और डालते जाओ। क्लास के अंदर, क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आपको अपने साथ हमेशा क्या कैरी करना है, ऑलवेज कैरी। इस पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कभी कभी, आई होप आप मेरे को स्ट्रिक्ट होने का मौका नहीं देंगे। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ओके? और कैलकुलेटर का मतलब ये नहीं होता कि मोबाइल वाला कैलकुलेटर। सर हम मोबाइल लाते हैं उसी में कैलकुलेशन कर लेंगे? नो जी, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। मोबाइल पे मैं आपको वो ट्रिक्स नहीं बता सकता जो कैलकुलेटर में चलेंगी, ओके? और आपको जब पेपर देना होगा, क्या मोबाइल लेके जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो जो आपकी स्पीड कैलकुलेटर पे बिल्ड होगी, वो ही आपको हेल्प करेगी। तो जब मैं आपके साथ इतनी चीजें करने के साथ साथ टाइम बचा रहा हूँ, तो कुछ टाइम तो आप भी मेरे लिए बचाएंगे ना। जब आप लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे, आपका टाइम बचना शुरू होगा, और वही स्टूडेंट जो जस्ट एग्जाम से पहले नया कैलकुलेटर लेके आएगा, उसकी स्पीड बहुत वीक हो जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने कैलकुलेटर नहीं लिया, आई सजेस्ट यू एक अच्छी क्वालिटी का कैसियो वगैरह का कैलकुलेटर लो, ताकि उसको चेंज ना करना पड़े आपके एग्जाम तक। वो आराम से 2-3-4 साल आराम से चल जाता है। लोकल क्वालिटी का मत लेना, ओके? ओरिजिनल लेना कैसियो का, बिकॉज आज आप उस पर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके फिंगर्स पे बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका होगा। मैं नहीं चाहता आप एग्जाम से पहले कहें सर वो तो मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया, और अब नया कैलकुलेटर मैं लेके आया हूँ, उसका प्लस का साइन उधर है, माइनस का साइन उधर है, और अब मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा वो फ्लो बिगड़ रहा है। वो नहीं होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट ही क्लास में बता रहा हूँ, कैसियो कैलकुलेटर आप लोग सब यहाँ पर यूज कर लेना, ले लेना, हो जाएगा काम। साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस में की एडजस्टमेंट्स आती हैं, कुछ की लैंग्वेज होती है जो थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एग्जाम के टाइम पे सारा कोर्स तो नहीं पढ़ सकते, वो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें मुझे दिक्कत आई थी या सर ने कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया था? साथ में क्या कैरी करेंगे, हाईलाइटर। आपकी जिंदगी को रंग बिरंगी बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ओके? हाईलाइटर आ सकता है क्लास में कि नहीं आ सकता, ये भी आपको साथ में रखना। और हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, लाइव टेस्ट तो क्लास के साथ साथ चलेंगे, क्या होगा, टेस्ट होगा, जो ऑप्शनल नहीं है, जो मैंडेटरी है। ये मर्जी नहीं होती कि सर आज हमारा मन नहीं था, हमने टेस्ट नहीं दिया। अगेन इस पे भी मैं सुपर स्ट्रिक्ट हूँ, प्रॉपर डाटा मेंटेन होता है, किसके कितने मार्क्स हैं, हर एक चीज को इवेल्युएट किया जाता है। अगर फिर भी कोई रीजन है आपके टेस्ट देने का, किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज आ गया, या फैमिली में कोई फंक्शन है, या कहीं पर भी आपको जाना है, इस टेस्ट से पहले उसके बारे में मुझे इंटीमेट आपको करना पड़ेगा, आपको मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा। टेस्ट वाले दिन पे नहीं, टेस्ट के बाद तो वैसे ही मानूंगा, ओके? कि जिस दिन टेस्ट है, हालांकि हेल्थ प्रॉब्लम उसमें हम लोग एड्रेस कर लेते हैं कि उसी दिन अगर आपको कोई इश्यू हो गया, लेकिन स्टिल आपका एक छोटा सा मैसेज जरूर आना चाहिए। हो पाएगा छोटा सा काम कि नहीं हो पाएगा, बीमार भी होते हैं तो फोन तो हमारे पास होता ही है, ओके? तो ये काम आपको जरूर जरूर करने, ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यू मस्ट कैप्ट इन योर माइंड, सो दैट वी आर एबल टू डू ऑल अवर क्लासेस सीमलेसली।
आई होप आपको आज की क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी. विल कंटिन्यू विद सम न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन.